सभा विच हाजिर सारयां नूं मेरे वल्लों सति श्री अकाल। सब तो पहलां तां मैं साहित अकादमी दिल्ली ते भाई वीर सिंह साहित सदन दे सारे प्रबंधकां नूं मुबारक देना चाहवांगी, उन्हां दा धन्नवाद भी करना चाहवांगी कि उन्होंने महेंद्र सिंह सरना होना दी जन्म शताब्दी के हवाले दे नाल एक सबब बनाया कि असी उन्हां दीआं लिखतां नूं दोबारा पढ़ सकीए, उन्हां दे गल्पी संसार नूं, उन्हां दी रचना संसार नूं रीविजिट कर सकीए। बहुत कुछ कल दे पेपरां दे विच कहा जा चुका है, अज दे जिहड़े चारों पेपर रीडर्स ने, चारों बड़े होनहार अपने अपने फील्ड के माहर ने, उन्हां दे राहीं असी उन्हां दीआं लिखतां तक दोबारा पहुँचांगे और मैनूं इह पूरी आस है कि बहुत कुछ होर ऐड होएगा। और समय की पाबंदी में मैं रख रही ध्यान में, सब तो पहला बिना किसी भूमिका दे असी पेपर रीडर्स दियाँ सुनांगे। सब तो पहला मेरी गुजारिश है डॉक्टर मेघा सलवान नूं। मेघा सलवान गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर दे विच असिस्टेंट प्रोफेसर ने और कहानी दे उत्ते इन्हां दा बहुत सोहना काम है। डॉक्टर मेघा सलवान अपना पेपर पढ़नगे। मेरे सन्मुख बैठिया सारिया सतिकारित शख्सियतों नूं मेरा नमस्कार। मेरा परचा महेंद्र सिंह सरना होना दियाँ कहानियाँ दे कहानी शास्त्र ते है। पंजाबी कहानी दे सफ़र ते शास्त्र दा सिरमौर कहानीकार है महेंद्र सिंह सरना। उन्हां दी लिखत हमेशा उन्हां दे नाम नालों अगर भूमि च विचरी आ और इहदे तों ही उन्हां दी बतौर कहानीकार शख्सियत दा पता लगदा। पंजाबी जदों असी कहानी दे शास्त्र की गल करते हाँ तो उस नाल संबंधित कुछ मुढ़लियाँ लिखतां, कुछ बहुत क्लासिकल आर्टिकल्स ने, जिन्हां चों एक आर्टिकल है जोसफ बेग इसे विंदा वट इज़ शॉर्ट स्टोरी, जिहदे विच ओह कहिंदा कि जद तक लेखक कोल कहण लई कहानी ना होवे तां कहानी कहना एक मूर्खतापूर्ण असंगति हुंदा। महेंद्र सिंह सरना को कहण लई कहानी है ते महज कहानी नहीं है, कहानी कहण दी जाच भी है। सरना ने अपनी कहानियां दे विच कथ ते वथ दी अपेता नूं इन्नी खूबसूरती नाल प्रस्तुत किया कि पंजाबी कहानीकारां दी वड्डी गिनती अजिहा कर ही नहीं सकी। कोई भी कलाकृति उदों ही उत्तम कलाकृति का दर्जा धारण करती है जदों उहदे विच कथ ते वथ दी अपेता होएगी। सरना होरां ने बहुत सारे सरोकार अपनियां कहानियां च प्रस्तुत किए जिन्हां विच एटमी निशस्त्रीकरण, प्रकृति प्रेम, मर्दी इंसानियत, अलोप हुंदियां नैतिक कदरां कीमतां, देशवंड दी बर्बरता, बहुत सरोकार उहनां दी कहानी रचना चाहुंदे ने अलग अलग तरह दे, पर इन्हां दे दरम्यान जिहड़ा एक सांझा सूत्र है जिहड़ा इन्हां सारियां नूं जोड़दा उह है मानववादी सद्भावना दा। कहानियां दे विषय वखरे ने पर उह सारियां कहानियां एक सांझे सूत्र च बज्जियां होईयां जिहड़ी है मानववादी सद्भावना। हुण इह दो पहलू बड़े गौर करन वाले ने, कहानीकार दी वस्तु चोण ते उस वस्तु चोण दे जरिए उहदा सिरजिया गया प्रति उत्तर रचनात्मक तरातल दे उत्ते। बेसिकली यही दो पहलू ने, वस्तु चोण ते उहदा सिरजिया प्रति उत्तर, जिहड़ा महेंद्र सिंह सरना दीआं कहानियां दे काव्य शास्त्र दी उसारी करदा। इहदे उत्ते ही उहनां दा कहानी शास्त्र सारे दा सारा उसरिया होया। हुण काबिले गौर गल इह आ कि एक राइटर एक खास तरह का वस्तु चोण क्यों चुन रहा ते उहदे जरिए वो इको ही प्रति उत्तर क्यों सिरज रहा। इन्हां दोनों का संबंध राइटर की सोशल साइकोलॉजी दे नाल आ, उहदे समाजी मनोविज्ञान दे नाल आ, जिहदे विच उह जम्मिया पलिया, जिहदे विच उहदी परवरिश होई, जिहदे विच उहने अनुभव ग्रहण किया, वो अनुभव तो उहदा दृष्टिकोण बनिया ते वो दृष्टिकोण उहदी रचना दृष्टि तो खारज किया ही नहीं जा सकता। तुसी सरना की समुची कहानी सिरजना नूं पढ़ के देख लो, उहनां दी मेरी साहित्यिक स्वै जीवनी पढ़ के देख लो, ये गल्लां ये सवालों के जवाब तुहानूं मिल जाएंगे कि सरना की लिखत इस तरह की क्यों है। उहनां दा स्वै कथन है, मैं इत्थे उहदियां कुछ सत्रां तुहाडे सामने प्रस्तुत करदी हाँ। सुहिरदता उजलियां ते नरोईयां कदरां कीमतां मैनूं मापियां कोलों मिलियां,
खुशी की प्राप्ति के लिए किन्निया अनमोल ते किन्निया सांभणयोग सन अते किवें खुशी दे बुलाखियां नूं इन्हां कदरां कीमतां दे तोशेखाने उत्ते चौकसी नाल पहरा देना बनता सी। मैं मानववाद के बुनियादी सिद्धांत अते जिंदगी दीआं उजलियां ते नरोईआं कदरां कीमतां अपनियां कहानियां विच प्रचारन दा उपराला कीता। इन सरना मनुखता दे कहानीकार वजो उभरिया जिहड़ा हर जात जमात कौम मजहब तो उतां उठ के मनुखता की पीड़ नूं सांझिया करता सरबत दे भलाई की गल करता। कोई भी रचना जदों किसी उचेरे आशे नूं लैके लिखी जाती है तां एक खदशा बनिया रहिंदा उस रचना दे प्रचार दा माध्यम बन जाण दा, चाहे वह लिटरेचर दी किसी भी वनगी दे नाल संबंधित होवे। सरना दीआं कहानियां क्योंकि उचेरे आशे दे नाल संबंधित ने, पर इहदे च विशेष गौलणयोग गल इह आ कि वह प्रचार दा रूप नहीं धारण करदियां। कहानी कहानी रहिंदी आ, वह प्रचार नहीं बनती। यही वजह कि वह भीड़ नालों वखरा खलोता नजरी आउंदा। तुसी उन्हां दी बहुत सारियां कहानियां देखो, वैसे तो दो तीन छड़ के उन्हां दी समग्र कहानी सिरजना कुल गुरु विशिष्ट, नवे युग दे वारिस, कलिंगा, खुरमानिया ते बदाम, मटर पुलाओ, बड़ी लम्मी फहरिस्त आ। इन्हां सारियां कहानियां दे विच आशा बहुत उचेरा है, परंतु ये प्रचार नहीं बन रही। कहानी कहानी है, यह हुंदा कीवें है, जरा इहदे ते गौर करते हैं। सरना दीआं ज़्यादातर कहानियां जिहड़ियां वो अन्य पुरखी बिरतान तो होन धार दियाँ, और ये फर्क नहीं पैंदा कि बिरतांतकार अन्य पुरखी है या उत्तम पुरखी है, वो हुंदे आ दोनों निरपेख होंदा नहीं हुंदियाँ, उन्हां दा संबंध हुंदा। पर राइटर की करदा कि जदों बिरतांतकार नूं प्रस्तुत कर रहा तां वो निरपक्षता का आभास करा सकिया, उहदा कोई भी करैक्टर एक जिहनूं असीं कहिंदे माउथ पीस नहीं बनता, तूतू नहीं बनता किसी विचार नूं सामने लियाउण दे लई। तुहानूं अहसास ही नहीं हुंदा कि राइटर किधर खड़ा, हालांकि वह खड़ा पर वह अहसास नहीं होण दिंदा, एक कलात्मक ओला सिरज लैंदा। मैं की कहना चाह रही हाँ, मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दे नाल अपनी गल समझाउनी आ। उन्हां दी एक कहानी है दो चंडीगढ़, जिहदे विच मियाँ बीवी सफ़र तय कर रहे ने, और सफ़र करदे आ दोनों च बहसबाजी यह चल रही है कि रिटायरमेंट तो बाद आपां शिफ्ट कित्थे होना, कोठी कित्थे बनाउणी आ। वाइफ आ वो चाहती है कि मैं जिहड़ा है कि मैं दिल्ली या चंडीगढ़ रहना किते, और जिहड़ा पति है वो कहिंदा कि मैं बहुत कुदरत दे नेड़े वसना चाहुंदा मैं, सो मैं एकांत प्रेमी हाँ, सो मैं दिल्ली या चंडीगढ़ बारे नहीं सोच सकता। इस बहसबाजी के दौरान हुंदा की आ कि कार दे अगे एक कुकड़ी आ जाती है, तो अचनचेत पति नूं कार रोकनी पैंदी, और वो जिहड़ा एरिया है वह चंडीगढ़ के बार बार का एरिया जिथे बहुत सारिया झुग्गियां मौजूद ने। तो पति उस टाइम अपनी वाइफ नूं पुछदा कि मैनूं इह तां दसो कि तुसीं किहड़ी चंडीगढ़ की गल कर रहे हो कोठी बनाउण दे लई। उहदी वाइफ हैरान हो जाती है कि चंडीगढ़ तां इक आ, उह कहिंदा नहीं चंडीगढ़ दो ने। हुण जो मैं गल तुहाडे नाल कर रही हाँ इस डायलॉग तो उहनूं समझण की कोशिश कर रहे हाँ, एक तां चंडीगढ़ है फ्रांस के प्रसिद्ध उसरिए ला कारबूजियर के सुफनिया का शहर, जिस च कोठियां दियां रंग बिरंगियां कंक्रीट दियां कंधां विच स्टील दे फ्रेमां दे चौड़े शीशियां वाले कमानीदार दरवाजे घूमते ने, जिस दियां पोर्चां च वधिया यूरोपीयन नसल दे कुत्ते भौंकदे ने, जिस दे गराजा च महंगियां महंगियां फॉरन कारां खड़ियां ने, जिस दियां कोठियां दे तोपीले लॉन वन सुवन्ने गुलाबां चंबे ते रात दी राणी नाल महके ने, जिथे दिन चांदी दे सैटां ते विच पीती चाह ते रात कॉकटेल नाल शुरू हुंदी आ। ते दूजा चंडीगढ़ ए है जिथे मैं इको एक नलके दी क्यू सामने खड़ा हाँ, ये नलका जिसनों इन्ना 70-80 झुग्गियां दियां लोड़ां पूरा करन लई काफ़ी समझिया गया है। मिट्टी टुटियां इट्टां ते पराली नाल बनाईयां झुग्गियां जिन्हां विच इट्टां रोड़ी बजरी ढोण वाले मजदूर बेलदार रहिंदे ने, जिन्हां च धोबी पंगी रिक्शा खिंचण वाले रहिंदे ने, ये एक वक्खरा चंडीगढ़ है। इत्थे दिन नलके द्वारा पानी दी वारी तो लड़दियां चढ़दा है, ते अद्धे भुखे ढिड्डां नाल गोडे जोड़ के सौं जाणना खत्म हुंदा है। झुग्गियां दे इस चंडीगढ़ दी ला कारबूजियर दे सुफनिया दे शहर च कोई थां नहीं है। हुण इस हवाले तो यह समझो कि किवें राइटर ने कलात्मक ओला सिरज के कहानी का उत्तम पुरखी बिरतांतकार समाज विचले असावेंपण की गल कर जाता। यह सरने की खासियत है, यह कहानीकार की समर्था है।
सरना दीयां कहानियां सीधिया सीधिया संदेश मूलक टिप्पणियां नहीं दिंदियां, ना तुहानू कोई सुझाव दिंदियां ने, वो तुहाडे आप सामने एक स्थिति प्रस्तुत कर दियां। और यही कारण बनता कि जिहड़ियां उहदियां रचनावां सरमाएदारी निजाम दे नाल संबंधित ने, निमन श्रेणी दे नाल संबंधित ने, वह भी कहानी रहिंदियां ने, किसी वाद के प्रभाव अधीन नहीं आउंदियां, उहदी जकड़ च नहीं आउंदियां, उन्हां दी जिहड़ी समर्था है एक कहानी के तौर पर आ। सो अपने कलात्मक मुल नूं उहदियां कहानियां तिलांजली नहीं देंदियां, जिहदे करके ये अलपकाली नहीं आ, ये चिरजीवी ने। जे किसी वाद दे नाल संबंधित होंदियां तो ये अलपकाली होनियां सन। हुण कहानी लिटरेचर का एक ऐसा योनर है जिहड़ा सधारण मनुख की गल करता, इत्थे भी सरना होनी एक वक्खर एक एक्सपैरीमेंट करते आ। ओ साधारण मनुख की असाधारणता ते फोकस्ड रहिंदे आ, उहदे ते केंद्रित आ। उहनां दा संबंध है एक मनुख दीआं की असीम संभावनावां हो सकदियां हन, उहनां दे करैक्टर्स अपने आखिरी दम तक अपने पक्के पैरी खड़ोंदे ने, छेती स्थिति दे नाल समझौता नहीं करते, और जिहदे करके उहनां दे बहुत सारे करैक्टर्स यादगारी हो निबड़े ने। फॉर एग्जाम्पल चौधरी खुदा बख्श लद्देवाला वड़ैच, हुसैन इंसानियत दा सिपाही, रमज़ान जथेदार मुकंद सिंह, परमेश्वरी परमेश्वरी सईदा औरत ईमान, इवें उन्हां कहानियां दे नाम ते उन्हां दे करैक्टर्स दे नाम बोले ने, जिन्हां करके उन्हां दे पात्र संकल्प करके ये यादगारी कहानियां हो गई ने। सरना दी कहानी दी जिहड़ी केंद्री चूल है वह है आशावाद ऑप्टिमिज़म, जिस दे फलस्वरूप कहानी लघु रूप होने के बावजूद व्यापक अर्थ सिरजदी है। मकौड़ा कहानी तुसी सारिया ने पढ़ी होगी। मकौड़ा कहानी दे विच एक जिहड़ा मजदूर आ जिहदा नाम है नामा, और उन्हें यह निश्चय कर लिया कि मैं अज अपनी जिंदगी मुका देनी आ। वजह यह बनती है कि मालका ने उन्हें चंगी कुट पवाई आ, उहदे ते चोरी का इल्जाम लगा के नामा ये संकल्प कर लैंदा कि अज शाम तक मैं अपने आप नूं मौत दे घाट उतार देना। इस संकल्प की पूर्ति के लिए जो अपने आप को मौत के घाट उतारन लगता तो वो गिट्टे ते मकौड़ा लड़ जाता, तो उन्होंने वगा के परा मारता, तो जो वगा के परा मारता तो मकौड़ा बेहरकत एक जगह पर उन्होंने लगता कि मर गया, पर जो गौर दे नाल देखता तो मकौड़ा जिहड़ा वो मरिया नहीं हुंदा। जो उन्हें कोडा हो के मकौड़े नूं नीझिया तो उन्होंने बेमलूमी जी हरकत का झौला पिया, जिवें मकौड़े के कलबूत के किसी कण च जिंदगी की कणी अजे तीक लर्ज रही होवे। बिंद को मगरों मकौड़े ने अपना सिर चुकिया, फिर उसने अगलियां लत्तां दे भार अपना धड़ संभालिया, ना ही उहदे तो अपना बूंडा चुकिया गया, वी विसवे उहदियां पिछलियां लत्तां टुट गईयां सन। जिंदगी भर दे पाज हो जाण दा अहसास ते खिन मात्र लई उहनूं बेहिस ते बेजान बना दिता, पर अगले ही पल उहने फिर सिर तौड़ होजका मार के अपने धड़ नूं कसीटिया। हुण मकौड़े दे चलदे रहण दी जद्दोजहद जिहड़ा टेंदियां कला च नामा जा चुका उन्हूं फिर सुरखरू कर दिंदी है। हुण कहानी है तां लघु रूप, पर इस लघु रूप ने उन्हूं की सिखाया कि जिंदगी चलदे रहण दा नाम है डिगना संभलना ते फिर चलना। सो वो जिहड़ा लघु रूप आ अपने कथा वस्तु करके अपने विषय करके लघु नहीं रहा, वो बहुत व्यापक हो गया। और सरना की खूबी यह है कि उन्हें कहानी नू अर्थां दे पक्ष तो बहुत ज़्यादा वसी बहुत ज़्यादा मोकला कर दिता। सरना अपनी कहानियां च ना व्यंग की विधि का बहुत इस्तेमाल करता, और व्यंग की विधि दे विच भी वो विडंबना की जुगत का खास तौर पर इस्तेमाल करता। की करता कि दो करैक्टर्स या एक पासे मनुख ते पशु नू खिलार के उन्हां दोनों के दरम्यान उन्हां दी मानसिकता नू प्रस्तुत करके एक प्रश्न खड़ा करता कि वाकई ही मनुख जाति श्रेष्ठ है। ये सोचण वाली गल आ। उहदियां जिहड़ियां पाएदार कहानियां ने, फनियर कुत्ते दी जात वन ऑफ द फंटैबुलस स्टोरी, वो जिहड़ियां स्टोरीज़ ने उन्हां दे विच तुसीं देखो उन्होंने इसी जुगत का इस्तेमाल किया कि एक पासे मनुख आ एक पासे जीव आ, तो दोनों के विचों कौन श्रेष्ठ उभर के सामने आ रहा। सो ये एक खास जुगत उन्हां दी सामने आती है। सरना दी पशाई समर्था उसकी कहानी शास्त्र विच सत्यम शिवम दे नाल सुंदरम दे अर्थ भर दिंदी आ, कमाल की प्रतीक सिरजना करते हैं। पशाई समर्था तो तुसी सारे जाणू हो जिहड़े इत्थे पाठक बैठे ने। एक उन्हां दी खूबी यह है बिंबां की सिरजना करन दे विच, तुसी कदी उन्हां दी लिखत पढ़ के देखो, तुसी एक पासे तां लिखत की पढ़त चो गुजर रहे हो,
दूसरे पासे तुहाडे ज़हन दे विच ओह लिखत दी आकृति चल रही है, तुहानू इदां लग रहा कि तुसी पाठ नू पढ़न दे नाल नाल उसनू वेख रहे हो, पाठक दोनों पदरां ते उहनां दी लिखत दा आनंद माणदा, लिखत दी पद्धर ते वी ते उहनू वाचण दी पद्धर ते। इह तुहानू इह खूबी ज़्यादा कहानीकारां च नज़र नहीं आउण वाली, इह मैं लिख के दे सकदी हाँ। पशाई रसिकता एक डायलॉग है, सूरज दियां किरणां टेढ़ियां हो के कमाद दे कखां ते लेट गईयां ते उह सोने दे बण गए। अज फिर तेरी याद दा चंद्रमा मेरी चेतना दे आकाश ते चढ़िया, ये चंद्रमा जो घटदा वधदा नहीं, जो निरंतर पूर्णमाशी दा सिलसिला है, जिसने मेरी जिंदगी दे बेसीमा वीरानियां नूं रुशनाया है, ते मारूथल दियां रेत असंखा चांदी किणकियां वांग लरजदी रही। एक होर क्वालिटी है व्यंजना मूलक शक्ति, इहदे लई मैं स्पैसीफिकली एक कहानी की गल करना चाहूँगी, कुल गुरु विशिष्ट। एक कहानी देश वंड दे नाल संबंध 1984 दे राइट्स दे नाल संबंधित एक बड़ी जबरदस्त कहानी। हुण जिथों मैं गल शुरू कीती सी कि उहदे को कहण लई बहुत कुछ आ ते कहण दी जाच भी आ, उह सीधे सीधे कोई गल नहीं करदे। कहानी संबंधित तां है 1984 दे दंगे उहदी पिठभूमि च काम कर रहे ने, पर राइटर ने उत्थे जिहड़ा कुल गुरु विशिष्ट दा प्रतीक सिरजिया ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਏ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੁੱਲ ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਏਕਮੇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕੁੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੁੱਲ ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸਰਨਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਖੇੜਕ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਖੇੜਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਜਾਤ ਕੀ ਆ, ਜਮਾਤ ਕੀ ਆ, ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਆ, ਕੌਮ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੂਹ ਕਾਹਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇਤਲਾਹ ਕਾਹਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਗਹਿਨ ਚਿੰਤਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਭੂਤੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਂਜਾਈਨਸ ਉਦਾਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਨਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਦਾਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਭਾਵ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਤ ਮੀਨਸ ਸ ਪਲੱਸ ਹਿਤ, ਯਾਨੀ ਐਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਛੁਪੀ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਕਲਾ ਢੰਗ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਨਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਮਸਟ ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਟ ਡਾਕਟਰ ਅਵੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਥੋਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮੇਘਾ ਸਲਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਉਦਾਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨਮ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵਨੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮੇਘਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੋਹਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ ਉਹਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਠਕ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਜੋਏ ਉਦੋਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਔਰ ਠਹਿਰਾਓ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ।
ये कहानियाँ काली काली पढ़ने वाली नहीं, ठहराव च पढ़ांगे तो इन्हों भाषाई सोच भाषाई पोटेंशियल कई गुणा वध हो के तुहाडे सामने आएगा। डॉक्टर मेघा ने उन्होंने रवैये बारे उन्होंने नज़रिए बारे बहुत खूबसूरत गल की और कहानी कहने के अंदाज बारे बहुत चिर असं कहानी की वस्तु बारे गल करते रहे। हूँ खुशी की गल हैगी कि असं हूँ कहानी के नाल कहानी कहने के अंदाज बारे गल करनी शुरू की है तो वेद कई परतं होर भी अगे आने लगिया ने। साडा नैक्सट बुलारा है डॉक्टर गुर हरप्रीत कौर। डॉक्टर हरप्रीत गुरु ग्रंथ साहब यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर ने और इन्हों का मेन काम जोड़ा है वह रूपाकारक विलखणता देते हैं नावल की रूपाकारक विलखणता से पर अज पेपर अपना कहानी से पढ़ रहे हैं। डॉक्टर हरप्रीत कौर थैंक यू मैम। इस सैशन की प्रधानगी कर रहे बहुत ही सत्कारत डॉक्टर तरवंत कौर अते मेरे सामने विराजमान बहुत ही सत्कारत शख्सियत डॉक्टर जसविंदर सिंह डॉक्टर बलजिंदर सिंह नसराली जी डॉक्टर मनजिंदर सिंह डॉक्टर रवेल सिंह भाई वीर सिंह साहिब सदन के डायरैक्टर होर पतवंते विद्वान साहबान। मेरे पेपर का विषय है महेंद्र सिंह सरना दियां कहानियां दी विलखणता। इस पेपर दे विच मैं महेंद्र सिंह सरना दियां कहानियां दे विलखण अंदाज नूं देखण दा यतन कीता है अते पंजाबी कहानी दी इतिहासकारी विच महेंद्र सिंह सरना दे स्थान नूं तय करदिआं होइआं उस दियां कहानियां दी विलखणता नूं परखिआ गया है। महेंद्र सिंह सरना पंजाबी दे उगे कहानीकार ने इस गल नूं निर्विवाद रूप विच कबूल कीता गया है। इस तो इलावा जे उन्हां दे उपर उपाधि स्पेक ते निरपेक खोज नूं देखिआ जावे तां उन्हां दे उपर तीन किताबां जिहड़ियां ओह प्रकाशित होईआं मैनूं मिलीआं ने अते दो खोज निबंध अते तीन खोज प्रबंध जिहड़े पी एच डी दी डिग्री लई महेंद्र सिंह सरना दियां कहानियां दे उत्ते होए हुए ने। यह जिहड़ी खोज ते आलोचना यह 1951 तो लैके 2018 ईस्वी तक हुई आ। इस तो असीं अंदाजा ला सकते हैं कि उन्हां दियां कहानियां दा खोज अते आलोचना दे विच भरपूर नोटिस आ जिहड़ा लिया गया। इन्हां खोज ते आलोचना विच उन्हां शुरू दे विच जिहड़ी आलोचना उन्हां दियां कहानियां दे विशामूलक अध्ययन कहानी दा आलोचनात्मक अध्ययन इतिहासक उस तो अलावा जदों बाद दे विच उन्हां दे उपर खोज प्रबंध होए ने वह विचारधराई वृतांत शास्त्री समाज शास्त्री अते तुलनात्मक अध्ययन उन्हां दा महेंद्र सिंह सरना जी दा नवतेज सिंह ते गुरबचन सिंह भुल्लर दियां कहानियां नाल होया मिलदा। ते जदों असीं पंजाबी कहानी दी इतिहासकारी नूं वेखदे आं इस खोज दे सन्मुख वी तां इहदे विच दो तरह दे रुझान देखण नूं मिलदे ने। किते महेंद्र सिंह सरना नूं दूजी पीढ़ी दा कहानीकार मन्निया गया इहदे विचों डॉक्टर बलदेव सिंह धालीवाल जिहड़ा पंजाबी अकादमी वल्लों प्रकाशित इतिहास आ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਵੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰਵੰਸ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਮਾਂਚਕਤਾ ਦੀ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਲਮ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੋਜ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਨੇ ਨੂੰ ਵਿਰਕ ਦਾ ਹਾਣੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਖੋਜ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਟ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਗਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਰਕ ਦਾ ਹਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕਲਾ ਲਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸਰਨਾ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1950 ਤੋਂ 1993 ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 1935 ਤੋਂ 1965 ਤੱਕ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪਾਕਾਰਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਿਰਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਾਨਵੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜਾਂ ਅਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਦਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਵੰਡ ਦਾ ਸੰਤਾਪ, ਰੁਦਨ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ, ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੀਰਾ ਮਿਰਗ, ਛਵੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਗਾਜ਼ੀ, ਗੋਂਦਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਔਰਤ ਮਾਨ, ਲੱਦੇ ਵਾਲਾ, ਬੜੈਚ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਹਿਤ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਆ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਰ ਆ ਉਹ ਹੀਰਾ ਮਿਰਗ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੇਪੱਤੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਵਿਧਵਾ ਖੇਮ ਕੌਰ ਦੀ ਧੀ ਬੀਰੋ ਮੋਹਰਾ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਲੜ ਵਧਿਆ ਮੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਖੇਮ ਕੌਰ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਮੋਤੀ ਦਗਈਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੜਨੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਮ ਕੌਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਬੋਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੰਦਿਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਬੇਭਰਾਵਾ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦਾ, ਖੇਮ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਮੇਰੇ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਲਿਟਾ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘੋਲ ਕੱਤੀਆਂ, ਵੇਖੇ ਨਾ ਕਮਲੇ ਜਏ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਟੁੱਕਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬੁਰਕੀਆਂ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬੇ ਮੇਰੇ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆ, ਹੀਰੇ ਮਿਰਗਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਜਾ ਤੇਰਾ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਦੀ ਮੁੜ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜੂਨ ਮਿਲੇ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਖੇਮ ਕੌਰ ਦੇ ਇਹ ਬਿਨਵੇਂ ਬੋਲ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਟਮਈ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਨਾ ਛਵੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਨੇਕੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਬਿਰਤਾਂਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਜਾਂ ਉਲਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇਕ ਅਤੇ ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚਰਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਪਸਾਰ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਕਟਮਈ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਔਰਤ ਇਮਾਨ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੂਰਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਦਾ ਚਰਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਚਰਖੇ ਨੂੰ ਲਵਾਰਿਸ ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਬੇਗਮ ਸਾਇਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਗਾਨੀ ਸ਼ੈ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਰਖਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਚਰਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਬਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹਾਵੀ ਸੀ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਬਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਆਖ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬਿਰਤਾਂਤਣ ਵਕਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਿਰਜਦੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਫਵਾਹ ਅਤੇ ਬੱਸ ਨੰਬਰ 541 ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
महेंद्र सिंह सरना नूं मानववादी कहानीकार भी कहा जाता है। मनुख का केंद्रीय शक्ति वजों उभार मानववाद की मूल मनिया जाता है। जे मानववाद के संकल्पक अर्थ वेखिए ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू फिलोसफी विच दर्ज इंदराज मुताबक मानववाद के अर्थ इस दे टाकरे विच रखे संकल्प मुताबक बदलते रहते हैं, पर इस दे मूल विच मनुखी है। यह इंदराज अलौकिक शक्तियां दी थां मनुख दे केंद्र विच आ जाण दे विभिन्न पक्खां नूं बयानदा है। संत सिंह सेखों भी मानववाद नूं उपरोक्त संदर्भ विच ही परिभाषित करता है, पर वह मार्क्सवादी नुकता निगाह तो मानववाद की परिभाषा दिंदा है। उन्हां मुताबक मानववाद विच मनुख दी पीड़ नाल सहानुभूति हुंदी है अते कई बार पीड़ दी जिम्मेवारी भी समाज दे धनवान बलवान अमीर राज भागां उत्ते पाई जांदी है, पर मानववादी इस जिम्मेवारी नूं दस के गिला करके ही बस कर जांदा है। वह इस दे पिछे काम कर रहे गतिशील समाजिक विकास ते श्रेणी संघर्ष वल ध्यान नहीं दिंदा। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਚੂਲ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਉਸਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋ ਮਾਂ ਦੇ ਮਮਤਾ ਭਰੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕੋਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੀਆ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜੱਗੇ ਡਾਕੂ ਵਾਂਗ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਅਲੀਏ ਦੀ ਮਾਂ ਰਹਿਮਤੇ ਲਈ ਉਹ ਐਬੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਨਰੋਲ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਮਮਤਾਮਈ ਪਸਾਰ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਪੱਖ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਚਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਉਸਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਨਿਹਾਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਲਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਖੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਰੂਪ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਦਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਚਨਕਾਰੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਡਿਟ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਿੰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਾਜ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ, ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਝੰਬੀ, ਮਾਨਵਤਾ ਮਾਨਵਵਾਦ ਅਤੇ ਅਮਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਉਭਾਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁਲਾਸਮਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਤਿੜਕਣਾ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਆਦਿ ਦੁਖਾਂਤ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੌਰ ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਿਲਵੇਂ ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਰੂਪਾਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਮਿਲਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਦੋਗਲੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਚਿੱਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਜੋੜ ਵਿਆਹ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਉੱਭਰੀ ਨਵੀਨ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਦੌੜ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੰਭ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਿਰਤਾਂਤਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤਕਾਰੀ ਦੀ ਯੁਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਜੀਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਕਾਰੀ ਰਹੀਂ ਗਲਪੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਵਾਪਰਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਗ ਰਾਹੀਂ ਤੋੜਾ ਝਾੜਨਾ ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਯੁਗਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆਮਈ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਣਕਿਹਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਥਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਰਨੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਰਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਬਖਤਾਵਰ ਵਸਨੀਕ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਲਈ ਪਹਿਰੂਆ, ਸਵਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਅਖਵਾਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਦਰੋਂ ਦੀ ਪਠਿਆਰੀ ਧੁੱਪ, ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਲਿਆ, ਸੂਈਏ ਲਈ ਸੂਹਾ ਆਦਿ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਹਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਈ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਾਹਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤਕਾਰੀ ਲਈ ਗਲਪੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛਵੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਦੀਨੇ ਲੁਹਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਛਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮਨੋਭਾਵ ਬਾਹਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਭੱਠੀ ਦੀ ਨਰਕੀ ਅੱਗ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕੋੜ ਵਾਂਗ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਗੁੱਠ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਕਲਮੂਈਆਂ ਛਵੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲਮਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਭਟਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਪੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੋਲਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਖਰਤਾ ਥਾਪਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਪੇਖਕਤਾ ਸਹਿਤ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਪਾਤਰ ਨੇਕੀ ਬਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਗ ਸਿਰਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਟ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚਲਾ ਪਾਤਰ ਗੁਲਾਮ ਸਰਵਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਸਰਵਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਟ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਮੁਜ਼ਾਹਿਦਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਧਾਲ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਬਰੀ ਵਸਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਬਰ ਸਿਤਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਗਰੀਬ ਪਿਓ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਬਗਾਵਤੀ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਜਾਨੋ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਜਮਾਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਰੁਲ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੱਕ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮੋਏ ਪਤੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸਹਿਤ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਨਾ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਨ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਵਿਹਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬੁਰੇ ਪਾਤਰ ਵੀ ਸਿਰਜੇ ਹਨ, ਭਲੇ ਪਾਤਰ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੇ ਪਾਤਰ ਵੀ। ਉਸਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਲਿੰਗਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਹਿਤ ਵੀ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੀ ਸਿਰਜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਸਰਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਿਰਜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਨਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਨੂਪ ਕੌਰ, ਬੀਰੋ, ਬਰਕਤੇ, ਦੀਨੇ ਲੁਹਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਆਦਿ ਨਾਰੀ ਪਾਤਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਗੀ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਸਰਨਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੀ ਪਾਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਤਰਸ ਦੇ ਪਾਤਰ, ਸਗੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂਮੁਖੀ ਔਰਤ, ਇਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੋਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਰੀ ਉਸਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਉਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਰੂਪਾਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਛਵੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਕਹਾਣੀ ਗਾਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਵੀ ਲੜੀਬੱਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਟ। ਇਹ ਥਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪਾਕਾਰਕ ਪੱਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਨੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਤਰਕਸੰਗਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਤਾਂਤਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਤਾਂਤਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਯਥਾਰਥਕ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਗਲਪੀ ਰਹੱਸ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜੇ ਗਲਪੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਰੂਪਾਕਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ।
शुक्रिया डॉक्टर हरप्रीत। डॉक्टर हरप्रीत होना ने अपनी गल जी सी कि महेंद्र सिंह सरना उन्होंने पंजाबी कहानी के इतिहास में असं कितने प्लेस कर सकते हैं, और बहुत खूबसूरती दे नाल और बहुत तर्कसंगत ढंग दे नाल एस्टैबलिश भी किया कि महेंद्र सिंह सरना होनी दूजी पीढ़ी के एक समर्थ कहानीकार है। असी पंजाबी कहानी की जी दूसरी पीढ़ी है उसनों हुनरी कहानी जिन्हां दे हत्थां दे विच पंजाबी कहानी परवान चढ़ी, जिन्हां ने पंजाबी कहानी का अपना कथा मॉडल सिरजिया, असी उस पीढ़ी की कहानी नूं कहिंदे हैगे आ जिन्हां दे विच हरप्रीत होणा ने सरने नूं प्लेस किया। और यह गल ठीक भी है क्योंकि आदि मध सिखर ते अंत वाली जी टैक्नीक है वह सरना होणा दीआं कहानियां विचों बहुत सोहनी तरह उभर के आती है। दूसरी खूबसूरती सरना साहब की जिहड़ी अपने समकाल दे विच बनती है कि उस टाइम के उत्ते रोमांसवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तीनों वाद जिहड़े हैगे ने वह पैरल उन्हां दे चल रहे ने, वह तिन्ना तो वाकफ ने पर तिन्ना तो विथ स्थापित करके रखते हैं। इस करके उन्होंने किसी एक वाद के झंडे थले नहीं लिया जा सकता, वह बहुत कलैरिटी के नाल जो अपनी स्वयजीवनी लिखते हैं वो लिखते हैं कि मैं जे गाथा गम दे मारियां दी या होर बहुत सारिया कहानियां पढ़िया जाण तो की प्रगतिवादी कहानियां इस तो बैटर हो सकदियां सी, पर उन्होंने कोई भी नारा देने की थान के उत्ते जिहड़ा अपना अंदरला तर्क है और जिहड़ी मानवी तर्क है उस कलात्मक तर्क नूं उसारन की कोशिश की है और बड़ी समर्था के नाल वह उसारिया भी है। डॉक्टर हरप्रीत होना ने सारे विषय चोण के नाल उन्होंने विलखणता के लिहाज न उन्होंने संचार के लिहाज न यह अस्टैबलिश की बहुत सोहनी तरह, मुबारक है। साढ़े को तीसरा पेपर स्वरणजीत होना है। स्वरणजीत इतने लक्ष्मी बाई कॉलेज दे दिल्ली जी पढ़ाते हैं। महेंद्र सिंह सरना दी कहानियों विच देश वंड दे समय दे समाज की पेशकारी। समाज आपसी संबंधा का ताणा बाण है, समाज शास्त्र इन्हों संबंधा का विज्ञान है, जानी वो इन्हों संबंधा की पुणछाण करता है। साहित्य ते समाज का आपसी संबंध बहुत जटिल हुंदा है, ये दोवें एक दूजे के पूरक ने, यह दोवें अलग अलग खेत्र ने पर यह एक दूजे तो सुतंत्र नहीं हैं। साहित्य दे समाज शास्त्र का उद्देश साहित्य विच्चों समाजिकता की तलाश अते व्याख्या करना है। जिथे साहित्य समाज को समझने लई समग्री प्रदान करता है उत्थे समाज शास्त्री सिद्धांत है जिहड़ा साहित्य को समझने विच मदद करता है। किसी लेखक को विशेष समाजिक हालत पैदा कर दिया हैं, लेखक की समाजिक स्थिति राही उसकी रचना समझिया जा सकता है। साहित्य विच भी इतिहास छुपया हुंदा है, साहित्य विच इतिहासक वेरवे यथार्थक नहीं पाए हुंदे, घटनावां दे राही कोडड अवस्था दे विच पाए हुंदे ने। किसी समय के साहित्य विचले इतिहास जां समाज नूं समझण लई इन्हां कोडां नूं डी कोड करना पएगा। इतिहासकार रोमिला थापर दे अनुसार भी वह भी कहिंदे ने कि जिवें असीं इतिहास नूं जानण दे स्रोत इतिहास नूं जानकारी दे स्रोत वजों वरत सकदे हां, उवें ही असीं साहित नूं भी वरत सकदे हां क्योंकि साहित विच भी इतिहास छुपिया हुंदा है। देश दा बटवारा पंजाबी समाज दे इतिहास विच इक वड्ड मारू घटना सी। इस महां दखांत नूं जानण लई इतिहासक स्रोत काफ़ी नहीं हन। साहित नूं एक अजिहे स्रोत दे वजों वरत्या जा सकता है जिस विच्चों इस दुखांत बारे जाणिया जा सकता है। महेंद्र सिंह सरना अजिहा कहानीकार है जिसने देश वंड बारे वधेरे कहानियां लिखियां। ये कहानियां 47 नूं जानण बारे बहुत ही मुल्लवान समगरी प्रदान करदियां ने। सरना दीआं कहानियां विच्चों सानूं किहो जिहे वेरवे मिलदे ने जिहड़े 47 दे दुखांत की पेशकारी करदे ने, मैं उन्हां बारे गल करदी हां। 47 एक अजिहा दुखांत सी जिसने हर वर्ग नूं प्रभावित किया। एक दुखांत तां उन्हां लोकां दा सी जिहड़े मारे गए, दूसरा उन्हां लोकां दा सी जिहड़े लुट्टे पुट्टे गए ते मजबूरी वस शरणार्थी कैंपां विच रहण लई मजबूर होए, तीसरे जिहड़े मारे भी नहीं गए ते लुट्टे भी नहीं गए अपने घरां च बैठे सन वह भी दुखी सी। पर ये दुखी होण वाले वो लोग सन जिहड़े इंसानियत दे पुजारी सन, उन्हां लई अपने आले दुआले डुलदा खून ते उजाड़ा देखना वसों वारा सी। वो मानसिक विचलन दा शिकार इसलिए हो जांदे ने क्योंकि वो चाहुंदे होए भी कुछ करन तो असमर्थ सन।
अजिहे पात्रां विच छवियां दी रुत्त कहानी दे पात्र दीना ते उहदी घरवाली आउंदे ने, क्योंकि दीना छवियां बनाउंदा है, उन्हां छवियां उह छवियां उहदे पुत्तरां तों डरदा बनाउंदा है ते छवियां नाल लोकां दे कतल कीते जा रहे ने। उह दीना किसे पहलां समें दे विच खुरपे दातियां दे कईआं बनाउंदा सी जिहदे नाल फसलां उगदियां सी ते लोक खांदे जिउंदे सी उमरां भोगदे सी, पर हुण खत्म हो रहे ने छवियां दे नाल। इस गल तों बहुत दुखी है। उसकी पत्नी उसनू आके कहती है कि तू गलत कर रहा है, तू ये छवियां ना बना। ये उहदे कहण दे उत्ते उहदे भी अंदर चेतना पैदा हो जाती है कि मैं गलत कर रहा, मैं डर नू एक पासे रखदिया होया वह उत्थों उठ के भज जांदा खेतां दे विच ते फसलां नू देखदा कि कदों एक इत्थे मैं फसलां पैदा करन वालियां चीज़ां पैदा करदा सी, हुण की हो रहा, हुण खून खराबा हो रहा है। तो ये गल उहनू इन्ना परेशान करती है कि बेहोश होकर डिग जाता है ते उहनू बहुत बुखार चढ़िया हुंदा जदों उहनू चुक के घर लिआंदा जाता है। इसी तरह गाजी कहानी का खुदा बख्श है। इस कहानी विच प्रीतो नाँ की कुड़ी है जिहड़ी दूसरे पिंड दे जिहड़े बदमाश ने उहनू चुक के लै जांदे ने, ते उसे खुदा बख्श जिहड़ा वह उन्हां कोल जांदा है, वास्ते पाउंदा है, पैरी पग्गां रखदा उन्हां दे कि तुसीं साडे पिंड दे हिंदू सिखां नूं बख्श दो, पर वह नहीं सुणदे। वह उल्टा उसनू ही कहिंदे ने कि इह काफर है। इस गल्लों वह बहुत परेशान हो जांदा। वी लद्दे वाला बड़ैच कहानी का खुदा बख्श बड़ैच है जिहड़ा। इस कहानी दे विच इक्को गोत दे जट मुसलमान ते सिख ने जिहड़े कदे इक्को बरादरी विचों आए हुए ने, पर हुण की है कि वह एक दूजे का कतल कर रहे ने धर्म के नाँ के उत्ते। ते उदों इत्थे भी जिहड़ा खुदा बख्श बड़ैच है वह अपने पिंड दे हिंदू सिखां नूं बचाउण दा यतन करदा है। वह उन्हां नूं काफले च छड आउण दी तैयारी करदा है, घोड़ियां दिंदा है, गधियां लिया के दिंदा, जिन्ने भी उहदे कोल आहार हैगा मतलब यतन करदा कि इत्थों निकल जाण बच के। पर ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਵਿਧਵਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਧਵਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕਾਫਲੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਧਾੜਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਬੜਾਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰਾ ਮਿਰਗ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਵਰਕਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੇਮ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਖੇਮ ਕੌਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖੇਮ ਕੌਰ ਦਾ ਸੀਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਮ ਕੌਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਸ ਨੇ, ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਚਲਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਇਕ ਧਿਰ ਸੀ, ਖਲਨਾਇਕ ਧਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਨ ਉਹ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੰਗੀਰੂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਨੇ ਲੁਹਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵੰਤ, ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਵਿਨਾਸ਼ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੀੜ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ 'ਚ ਢੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
इस तरह गाजी कहानी की रेशमा उहदे विच भी हैगा उहदी सहेली जिहड़ी इह भी पछमी पंजाब च वापरदी है ते उहदी सहेली रेशमा नूं चुक के लै जांदे ने बदमाश उह दुखी हुंदी है अपने भरा नूं भेजदी है ते उहनूं छडवाउंदी है इह सारियां अपनी पुज्जत अनुसार अपने विरोध नूं जाहर करदियां ने मध्यकाली कदरां कीमतां नाल जुड़े समाज विच औरतां दी सुनवाई घट होण करके अजिहे यतन सानूं बहुत घट दिखाई दिंदे हन जेकर उस समें औरतां भी समाज विच बराबर दियां भागीदार हुंदियां तां अजिहे जुलम बहुत घट होने सन फिर इह दुखांत शायद इन्ने वड्डे पद्धर ते ना वापरदा इक दुखांत उहनां लोकां दा है जिहड़े अपने परिवारक जीआं नूं गुआ बैठदे ने इह दुख उहनां नूं दरिंदे बना दिंदा है अजिहे पात्र जन्म जात किसी नुकसान पहुँचाने वाले नहीं सन पर अपन के मारे जाण का अखी देखा मंजर उन्होंने बेदिल इंसान बना दिंदा है अजिहे पात्रां विच जथेदार मुकंद सिंह आंदा पात्र जथेदार आंदा जथेदार भी पछमी पंजाब तो आके पूर्वी पंजाब दे विच लुधियाने 10-15 बदमाशों का एक टोला तैयार कर लेंदा जिहदे नाल उह मुसलमाना दे बच्चियां नूं जां मुसलमाना नूं मारदा उह इह क्यों करदा है क्योंकि उसके बच्चे नानके नड़ाली गए हुए सी उन्हां दिनां च जदों इह शुरू होई कतलोगारत तां उह सारे उत्थे मारे जांदे ने उह बेचैन हो जांदा है ते उन्हां दा बदला उह फिर इस तरह इधर आके लैंदा है उंज कहा जांदा है कि उह बंदा किसे कदे कीड़ी भी नहीं सी मारदा परमेश्वरी कहानी दा भगवंत भी इस कैटेगरी च आउंदा है इस तरह के पात्रां ने बदला दी भावना के तहत पछमी पंजाब तो आके पूर्वी पंजाब के मुसलमानों उत्ते अत्याचार किए इस तरह समाज का एक वर्ग मजबूरी वस हैवानियत दे राह तुरिया बंड ने सदियों तो इकट्ठे रह रहे भाईचारे में जहर घोल दिता इस तरह की कनसो इको बरादरी कहानी च देखी जा सकती है वंड तो बाद एक सिख ते मुसलमान परिवार दिल्ली विच आपस दे कोले कोले गुआंढी बन जांदे ने पर बाद च जिहड़े सिख परिवार की औरत है बुढ़ी है वह बहुत इस गल्लों परेशान है कि साडे गुआंढ च मुसलमान परिवार रहिंदा है पर जदों उन्हां नूं बाद च पता लगता है भी यह परिवार भी मुरादाबाद दे विच दंगियां दा शिकार होकर इत्थे आया है तो यह गल उन्हां नूं थोड़ा हिम्मत दिंदी है तो वह उन्हां नाल मिलवर्तन रखना शुरू करते हैं जिहड़ा सिख परिवार है वह धार्मिक कट्टर परिवार नहीं सी पहला दंगिया ने उन्हां दे अंदर जहर भर दिता सी जिस करके वह गुआंढियां दे मुसलमान होण ते नफरत करन लग गए सन इस प्रकार यह भी एक बड़ा दुखांत है जिसने मनुख का मनुख प्रति रवैया धार्मिक पछाण के आधार पर बना दिता एक ही समाज विच इकट्ठिया विचरदे किन्ने ही ऐसे परिवार होणगे जेड़े बेलोड़ी नफरत का शिकार होए होणगे दुखांत के वापरन पिछे एक वड्डा कारण अफवाहां हन लद्दे वाला बड़ैच कहानी विच एक दंगाकारी धियां की इज्जत लुट्टण का कारण दसदा है कि उन्हां दियां धियां भैणां दियां इज्जतां अमृतसर विच लुट्टियां गईयां ने उह तां लुट रिहा है जलूस कहानी विच भी दिल्ली विच जिहड़ियां मुसलमान औरतां दा नंगियां करके जलूस कढ़िया जांदा उह भी अफवाहां तों प्रेरित हो के कढ़िया गया सी लोकां दा हिंसक व्यवहार अफवाहां दे प्रभाव तों प्रेरणा ग्रहण करदा है पछड़े हुए समाज विच जिथे सूचनावां दा आदान प्रदान अजे आधुनिक तकनीकों की मदद नाल तेज नहीं सी होया उत्थे अफवाहां दा विशेष रोल सी सो महिंदर सिंह सरना दियां कहानियां विच 47 दी वंड कारण उपजे दुखांत नूं अनेकां कोणां तों ढालिया गया है 47 दे समाज की तस्वीरकशी इन्हां कहानियां विच बखूबी होई है अजोके समें ते भविख लई इह कहानियां बहुत ही मुल्लवान साबत होणगियां थैंक यू जी शुक्रिया डॉक्टर सवरनजीत डॉक्टर सवरनजीत होना ने सरना होना दिया कहानियां दे विच्चों देश वंडदे समय दा जिहड़ा एथॉस है उसनों ये कहानियां दे हवाले किवें पकड़दे ने और इतिहास के खप्पे भरन दे लई जिहड़े बिरतांत ने उह कित्थे कित्थे ते किवें किवें सहाई हो सकते ने किन्ने ऑथेंटिक हो सकते ने उहदे विच साहित खास करके देश वंडना तां असीं हमेशा ही जदों गल करदे आं तां इह लगदा कि बहुत सारे खप्पे जिहड़े ने उह बिरतांत ही भरे भरनगे अजे तक भी वह कलमां सुक्कियां नहीं हैगियां जिहड़ियां कि देश वंड बारे लिखी जा रही ने जिहड़ा भी कोई जिउंदा पात्र कितें भी मिल जांदा उहदी कहानी अज भी लू कंडे खड़े करन वाली है और महेंद्र सिंह सरना होना ने
उस जो अपना समकाल से जिमें परसीव किया और उस परसैप्शन एक सगा कि लुटेरे से ताड़वी से एक सगा कि जोड़े विक्टम से जिन्हें उत्ते बहुत कुछ हो रहा है पर उन्हों की जी पहली दृष्टि हैगी है वह उन्होंने भी नज़र रखी बैठी हैगी है जिड़े ना लुटेरे ने ना ताड़वी ने ना वह विक्टम ने पर मानवता प्रति उन्हें जी सुहिरदता हैगी उन्होंने घरों उठा लेंदी है मतलब ये पात्र वर्णन इस तरह देखना और इस तरह मतलब सरने हुणा की जी दृष्टि हैगी है उन्होंने नखेड़ के देखना ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि उद्दीन बहुत सारिया कहानियां जो देशवंड बारे ने वो विक्टम्स बारे ने लुटेरिया बारे तो कहानी लिखी नहीं सी जा सकती या जिहड़े धर्म के बगलाए हुए लोग सीगे जिहड़े कहिंदे जिहनां लगदा सी इह धर्म का स्वाब है उन्हां बारे तो कहानी लिखी नहीं सी जा सकती विक्टम्स बारे कहानी अज भी लिखी जा रही है पर उन्होंने सरना साहब ने आप लिखे कि उस टाइम जदों के लहू ते मिज दी दलदल सी उदों उन्होंने वह पात्र देखे जिहड़े उस दलदल तों सिर उच्चा रख के जी रहे सी स्वरणजीत होना ने उन्होंने कहानियों बहुत सोहनी तरह नखेड़िया जिन्हें यहोजे पात्र दिखाई दे रहे हैं। साडा अगला पेपर रीडर जे बी सेखों ने जे बी सेखों लगातार बहुत जरा समकाल का लिटरेचर है वो हमेशा गल करते हैं और गाहे बखाए उन्होंने लेख अखबारों के मैगजीन के छपते रहते हैं बहुत सुहिरदता और बहुत जिम्मेवारी के नाल यह गल्प आलोचना का काम कर रहे हैं। डॉक्टर जे बी सेखों भी देशवंड के नाल संबंधित कहानियां दे मानवी संवेदना के पसारा बारे गल करेंगे। डॉक्टर जे बी सेखों बहुत धन्यवाद मैडम डॉक्टर तनवंत कौर जी मैं बहुत मशहूर हाँ समूह प्रबंधकों का समूह हाज़र इतने अदीबा का दोस्तों का विद्वाना का कि थोड़े सब के दर्शन मैं इतने करन दा जिस सबब मिलिया महेंद्र सिंह सरना सचमुच कहानीकार नहीं सी वह कहानी का एक चलता फिरदा वरतारा सी सरना दे बारे जिन्नियां भी असी गल्लां करिए उन्हां दे कहानी कला दे बारे कथा वस्तु दे बारे दृष्टि दे बारे फिर भी बहुत कुछ है जिहड़ा कि साढ़े हत्थां दे विचों निकल जाता जिसनों असी टोटैलिटी दे विच फड़ नहीं सकते तो लिटरेचर की यही खासियत हुंदी है कि लिटरेचर दे बारे असी जिन्ना भी संवाद रचाइए वो हमेशा अधूरा हुंदा ते कला दे बारे भी यही गल है कि कला भी कदे संपूर्ण नहीं हुंदी कला भी अधूरी हुंदी है ते ये अधूरापन ही सानू इंज एक दूजे दे सन्मुख करन दा सबब दिंदा कि असी बैठीए विचारीए ते इस अधूरेपन दे खप्पियां नू भरीए तां जो कि डायलॉग करिए संवाद करिए। सो सरना साहब दी जिहड़ी कहानी दी गल है जदों भी मैं उन्हां दी कहानी नू पढ़िया मैं हुण विधिपूर्वक ढंग नाल पेपर तो नहीं पढ़ांगा जो नुक्ते हन मैं इस पेपर दे मैं उही तुहाडे सब दे नाल सांझे करांगा। जदों भी मैं सरना साहब की कहानी नू पढ़दा तां मैनूं मध्यकाल दा पंजाब दिसदा आधुनिक कहानी नू पढ़दिआं जेकर तुहाडे अगे मध्यकाल दा पंजाब आउंदा है उसकी दृश्यकारी हुंदी है तां उहदे की कारण हो सकदे आ। जिहड़ा भी मध्यकाल दा साहित है जां मध्यकाल दा पंजाब है वह पंजाब सरना दीआं कहानियां दे अणकिहे ओशन दे विच पिआ है कहा होया बहुत कुछ है पर इस कहे दे पिछे बहुत कुछ खड़ा जिहड़ा कि अणकिहा होया है। तो मैं देश वंड की कहानी के हवाले नाल जदों भी गल करदा तां सरना साहब की कहानी विच कहा तां बहुत कुछ है पर कुछ वह भी हैगा जिसनों फड़न की लोड़ है जिहड़ा कि इन्हां कहानियां दे पिछोकड़ दे विच है। मध्यकाल की मैं गल इस करके करदा कि सरना साहब ने जिस तरह अपनी कहानी दे विच पंजाब दी बन सुबंता दा जिक्र कीता अपनी कहानी दे विच पंजाब दा जिहड़ा एक बहुबन्ना चित्र हैगा वह साढ़े सामने पेश कीता यह तस्वीर पंजाब दी 1947 तो बाद इस तरह टुट गई जिस तरह असी कागज़ दे वरके नूं पाड़ के दो पासे कर दईए वह जिहड़ा पहला पंजाब है उस पंजाब दे अपने अंतर विरोध हो सकते हैं उस पंजाब दीआं अपनियां समस्यावां हो सकदियां पर उस मध्यकाल दे पंजाब दे विच मज़हबी पहचान नहीं सी मनुख दी मनुख नूं मज़हब दी बणतर दे पक्ष तों नहीं सी देखिया जांदा उत्थे छूतछात सी उत्थे गरीबी सी उत्थे औरतां प्रति मरदामी धौंस सी जागीरदारी प्रबंध सी
पर धर्म के लिबास के हेठां बद इखलाकियां नहीं सन। तो जो असं ये गल्लां देखते हैं तो साढ़े सामने पंजाब का इतिहास आता कि शायद उदों मुगल बहुत भारू सन लुकाई दे उपर, पर असल च इस तरह नहीं दिसदा। जिथे मुगल भारू सन उत्थे जनता नूं देखिया नहीं सी जांदा कि वह किस पिछोकड़ दा है, किस मज़हब दा है, जां किस पछाण दा है। उत्थे जिहड़े असीं जिहनां नूं मुसलमान कहिंदे हाँ उहनां नाल भी उही विहार हुंदा सी जिहड़ा विहार गैर मुसलमानां दे नाल हुंदा सी। सो कहण तों भाव है कि पंजाब दा जिहड़ा वह तसब्बर हैगा मध्यकाली साहित दे विच सूफी कविता दा, जां साडे कोल हैगा है बार काव हैगा, साडे कोल किस्सा कविता हैगा, साडे कोल गुरमत कविता हैगा, वो सारा ही पंजाब दा जिहड़ा बनसवंता दा जिहड़ी संरचना हैगी है वो मैनू महेंद्र सिंह सरना दीआं देशवंड दीआं कहानियां दे विच वी उहदी झलक दिखाई दिंदी है। जदों असीं सूफी कविता पढ़ते हैं तां जां किस्सा कविता पढ़ते हैं तां सानूं पता है कि सूफी कविता नूं आपां सधारण अर्थां विच लैंदे हां किहे पोर्शन दे विच कि इह जिहड़े हैगे आ उस परमात्मा दी रज़ा दी गल करदे आ, इखलाकी उच्चता दी गल करदे आ। पर कमाल दी गल है कि उहदे सारे उहदों समझण दे जिन्ने टूल है वह सारे कल्चर दे, सारे आस पास दे। जिहड़ी किस्सा कविता हैगी आ उह देखण नूं तां लगदी है कि जगीरदारी समाज दा प्यार वरतांत है, पर उहदा जिहड़ा पद्धर हैगा वह सारा ही अध्यात्मक है, सारा ही रूहानी है। इस तरह की बनसुबंता है जिहड़ी वह पंजाब दी धरती दे उपर वापरी है। तो मेरे ख्याल दे विच जिहड़ा सब तो वड्डा पाड़ पैंदा वह पैंदा बस्तीवादी दौर दे आण दे नाल, जिसनूं शाह मुहम्मद कहिंदा सी कि राजी वसदे मुसलमान हिंदू सिर दोहां दे उत्ते आफत आई, वह अफात कहिंदा है। अफात शब्द जिहड़ा ये मुश्किल नहीं हैगा, ये संकट नहीं हैगा। अफात शब्द का मतलब ही है जिहड़ा घड़ी मुड़ी वापरदा, जिहड़ा एक बार नहीं आता, जिहड़ा कई कई बार आता। सो फारसी के लफ्ज़ है शाह मुहम्मद ने कि अर्थों में वरते सन, वह अर्थ 47 भी घड़ी मुड़ी आए, वह 66 भी आए, वह 84 भी आए। तो मैनू तो यह लगता कि बदलवें रूप के जिमें बाबा बलवंत कहता कि लुटेरे बदल के आए लिबास अपने, वह हुण भी वापर रहा ना दिसदा होवे अलग गल है। सो कहण तों भाव है कि सरना साहब की जिहड़ी कहानी हैगी है वो एक तरह के नाल 47 का जिवें इतिहास की गल की है मैडम होना ने कि असी अक्सर यही पढ़ते रहे हैं कि साहित्य है जिहड़ा वो इतिहास का एक सोमा है। इस धारणा ने साडा नुकसान किया, मैनू ये लगता साहित्य इतिहास का सोमा नहीं है। साहित्य अपने आप दे विच मुकम्मल इतिहास है, साहित्य मुकम्मल तौर पर सभ्याचारिक हिस्टरी है जेकर असी साहित्य नूं देखा जाए। तो दूजी धारणा साडी ये बनती है कि साहित्य समाज का दर्पण है, ये भी धारणा एक पासड़ है। दर्पण की रेंज होंदी है, एक उस तो अगे दर्पण नहीं जा सकता, पर सरना की कहानी है जिहड़ी वह समाज के अंदर की वापरदा वह दर्पण नहीं दसदा, वह जिहड़ियां अंदरलियां तहां हन वह भी सानू साडे अगे पेश कर दिंदी है। सो सरना की कहानी नूं जदों असीं पढ़दे हां तां सानू समाज के जिहड़े अंदरले जिहड़े पक्ख हन वह सानू दिखाई दिंदे है। सो सरना दीआं देश वंड दीआं कहानियां दे प्रसंग दे विच मैं अपनी गल जिहड़ी हैगी उह रखांगा। तो जो देश वंड दा मसला हैगा वह असीं सारे जाणदे हां, वह गल्लां रिपीट नहीं करनियां, चाहे दो नेशन दी थ्योरी दी गल होवे जां उहदे विच असीं पाड़ो ते राजकुरो दा एक बिरतांत आया सीगा, पर असल दे विच पाड़ो ते राजकुरो दा बिरतांत वी ना उह मुख धारा दी इतिहासकारी ने सिरजिया है। असल विच पहले ही पंजाब दे सभ्याचारक दुध दे विच कांजी घुल गया सीगा। वह कांजी कदों घुलदा है? वह घुलदा है जदों तनजीमां चलदियां इत्थे, जदों अपनी अपनी पछाण कायम करन दे लई कोई सिंघ सभा लहर का लिबास पा लैंदा, कोई अहमदिया लहर का पा लैंदा, कोई आरिया समाज का लिबास पा लैंदा, जदों अपने ही अपने खिलाफ़ लहरां चलांदे है। तो फिर पाड़ो ते राज करो करन दे लई कोई खास नीति घड़न की लोड़ नहीं पैंदी बस्तीवाद नूं, कि कोई मैं विशेष किते कमरे च बैठ के कोई नीति घड़ांगा तां जो कि लोगों के पाड़ पै जाएगा। सो ये तनजीमां जदों चलनियां शुरू हो जांदियां पंजाब दे विच तां उस तों बाद हौली हौली जिहड़ी आपसी सांझ है वह कुड़त्तन दे विच बटनी शुरू हो जाती है। फिर भी एकदम सांझ नहीं है कुड़त्तन च बटदी, ये सांझ रहिंदी आगूआं तक। जिहड़ी आम लुकाई है ना, वह लुकाई दी आपस विच रिश्ता बड़ा पीढ़ा रहिंदा, बहुत ज़्यादा रिश्ता उन्हां दा आपस दे विच प्यार वाला, सह होंद वाला, सहनशीलता वाला, तो एक जो दूजे दीआं भावनावां नूं समझण वाला रहिंदा। तो सरना साहब जो असीं कहानी पढ़ते हैं तो मैनू उस सांझ दे इन्ने दृश्य दिसदे है, इस करके मैनू इहदे विचों मध्यकाल दा पंजाब दिखाई पैंदा,
वह चाहे भाषा की पद्धर से हो, चाहे वह समाजिक दृष्टिकारी की पद्धर से हो, चाहे वह दृष्टिकोण की पद्धर से हो। सो जेकर पंजाब सिर्फ ये वंड तो पहला पंजाब नहीं है, सरना साहब की कहानियों में यह असल वो पंजाब हैगा जिहड़ा मध्यकाली पंजाब एक खास किस्म की इतिहासिक प्रक्रिया के साडे तक पहुँचा है। सो सरना साहब नूं मैं उस प्रसंग दे विच उस कॉन्टैक्स दे विच देखदा हां। सो जदों इतिहासकारी दी असीं गल करदे हां तां जिवें मैं गल कीती सी कि इतिहास दा सोमा नहीं है, साहित्य अपने आप दे विच मुकम्मल इतिहासकारी वजों है। तो जिहड़ा वंड तो पहला जिहड़ा सभ्याचारक सांझ दी गल है, जिवें कि अजकल एक बुक भी आई सी पिछे इश्तिहाक अहमद दी, उन्होंने लिखिया सी उस पंजाब वड्डिया टुकिया कटिया पंजाब, बहुत कमाल की किताब है। उसदे विच भी वो लिखते हैं कि पंजाब का जिहड़ा असल च एक संकल्प हैगा वो एक भंगोलिक खिते का नहीं हैगा, पंजाब अपने आप दे विच एक थॉट है, पंजाब अपने आप दे विच एक विचारधारा है जिस विचारधारा नूं बहुत प्लैंड तरीके दे नाल 47 दे वेले एक दूजे तो वक्खरा किया गया। सो जिहड़ियां उन्हां दीआं कहानियां हन जिवें कि गोंदला वाला कहानी है, उस कहानी दे जिहड़े मुंडले शब्द ही हन वह मैनूं पंजाब दी वह मजहबी पछाण तो जिहड़ी मुक्त जिहड़ा एक रहतल है उस रहतल दे जिहड़ी दृष्टिकारी वह दसदा है सरना। वह कहिंदा कि ना यह सिखां दा पिंड है ना मुसलमानां दा, यह जट्टां दा बसाया होया पिंड है। हुण जट इत्थे जाति नहीं हैगा, जट इत्थे वह कौन लोग है जिहड़े मेहनतकश लोग है, जिहड़े जमीन नाल जुड़े हुए लोग है, जिहड़े किसानी नाल जुड़े हुए लोग है। सो यह कहिंदा कि पिंड यह गोंदल जट्टां दा पिंड है। जदों इत्थों गल शुरू करदा तां उत्थे वह अपनी एक रेंज फिक्स कर दिंदा कि मैं गल किहदी कर रहा किस बारे कर रहे हैं, तो समुची कहानी वह उस रेंज तो आले दुआले नहीं जाती कितने भी। तो सरना दियां कहानियां जिन्नियां भी असी पढ़ते हैं उन्हां कहानियां दे विच्चों मैनूं उही पंजाब घड़ी मुड़ी दिस रहा। तो इस तरह जिहड़ा 47 दा जो भी हुड़दंग हुंदा उहनूं आपां हुड़दंग कह सकते हैं, कोहराम कह सकते हैं, जदों मनुख दी मनुख तो पछाण ही टुट गई खत्म हो गई। अनिरुद्ध काला जी की बुक कुलवीर जी उन्हां ने जिहड़ी कीती है उहदे विच भी ऐसे तरह के हुड़दंग दीआं उदाहरणां मैनूं दिखाई दिंदियां दिसदियां। तो लद्दे वाला बरैच है जिहड़ा, जां छवियां दी रुत कहानी है जिहड़ी, तो जां उस तों बाद गाजी कहानी है। मैं घट्टो घट 10-15 कहानियां जिहड़ियां ट्रेस ज़्यादा जिहड़ियां 47 दे बारे गल करदियां, हीरा मिरक कहानी है, यह कहानी जिहड़ी उस वेले दी मजहबी पालाबंदी बन गई सी, उस पालाबंदी दे नाल जिस तरह की मानसिकता हो गई तो एक दूजे नूं इस्लाम समझाण लग गए कुछ लोग एक दूजे नूं हिंदू सिख संस्कृति समझाण लग गए। तो जदों इस तरह का वर्तारा वापरदा है तो फिर वह जिहड़ा कोहराम है कतलेआम वह शुरू हो जाता। ईश्वर दयाल गौड की 2-3 किताबां बड़ियां कमाल दी आईयां पिछे, वह भी इस तरह की गल करते हैं कि जिहड़ा पंजाब हैगा इहदे संकल्प समझण की लोड़ है। जिहड़े हरजीत सिंह गिल उन्हां ने संरचनावादी आलोचना दे विच प्रीतो की फुलकारी जिहड़ी बुक है उन्हां दी उत्थों शुरुआत हुंदी असल दे विच उस चिंतन की। कहण तो भाव यह है कि वह जिहड़ियां संकल्पी संरचनावां हन उन्हां नूं समझ के ही असीं लिटरेचर की तह तक पहुँच सकते हाँ जा सकते हाँ। सरना साहब की कहानी जो मैं पढ़ता सी तो मैं कृष्ण चंद्र बहुत याद आया, तो मैं मंटो बहुत याद आता। कृष्ण चंद्र की एक छोटी जी किताब है हम बहशी हैं, कमाल की गल है उस कहानीकार ने जिस तरह का अपनी कहानी उन्होंने पेशावर एक्सप्रैस कृष्ण चंद्र की उस कहानी पढ़द मैं ये लग्या कि जिस तरह जिहड़ी रेलगड्डी आई है साढ़े इत्थे आधुनिकीकरण की एक बड़ी लंगड़ी जी प्रक्रिया सी पंजाब दे विच, उस प्रक्रिया नाल जिहड़ी रेलगड्डी हैगी उह बस्तीवादी लोड़ां दे लई इत्थे चली है, पर उह रेलगड्डी मनुखता दे घाण दा चिन्ह बन गई है। जिवें डॉक्टर मनमोहन जी बैठे आ उह किते अपने आर्टिकल च लिखदे आ कि इह वंड इक इहो जिही लाश है जिहड़ी पंजाब दे सभ्याचारक सिमरतियां दे चिन्ह की पाणियां च तैर रही है, और इक्को लाइन दे विच कमाल कर दित्ती है। सो कहण तो भाव यह कि वह रेलगड्डी है जिहड़ी ना वह उस कहानी दे विच एक चिन्ह बन गई दहशत दा, वह रेलगड्डी एक चिन्ह बन गई है, उस रेलगड्डी दा ना परसोनीफिकेशन किया होया मानवीकरण किया होया। तो वह कृष्ण चंद्र कहिंदा कि वह रेलगड्डी की सोचती है, उस रेलगड्डी विच एक लड़की जिहड़ी सफ़र करती है जिस लड़की दा संबंध इस्लाम दे नाल है पर उसनू कतल कर दिता जाता। तो वह किताब पढ़ती सी लड़की, एक किताब का नाम सीगा सोशलिज़म थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये किताब पढ़ती सी जॉन ट्रैची की बुक है, यह 1936 पबलिश हुई सी। ये किताब वो लड़की पढ़ती सी तो वह रेलगड्डी कहती है भी इस किताब नूं पढ़ के
इस कुड़ी ने तसव्वुर किया सगा कि मैं सोशलिज़म नू समझना मुंडले सोशलिज़म नू तां जो कि मैं इस दिया इस दी बणतर नू समझ सकां। पर रेलगड्डी कहती है कि उस बणतर नू समझण नहीं दिता गया उस वेले दी जिहड़ी फिरकू धाड़ है उन्होंने। सो जिहड़ा ये परसोनीफिकेशन है रेलगड्डी का वह मैनू लद्देवाल बड़ैच जिहड़ी कहानी है उहदे विच वी किते किते दिखाई दिसदा। ते रेलगड्डी कहती है कि मैं अनाज ढोना सगा मैं किसानां दीआं जिहड़ियां फसलां सन उन्हां नूं ढोना सगा पर मैनू अज लाहौर तो अमृतसर तक लाशां ढोनिया पै रही। तो हो सकता इहदा प्रति उत्तर भी इदां आवे तो सचमुच लाशां ढोनिया पईआं सीगीआं। लिटरेचर ने इदां इतिहास नूं इस तरह कैप्चर करना हुंदा ना कि असी ये दसना कि किस सन तो की होया कदों कि स्टेटमेंट आई जिहड़े ब्रिटिश डाकूमेंट है वह की कहिंदे आ कौन इत्थे आखिरी राजा सीगा कौन वो चला गया। ये गल्लां तां जिहड़ियां हैगी मुखधारा इतिहासकारी उन्होंने बहुत कर दित्तियां। सो कहण तो भाव है कि सरना नूं पढ़न का मतलब हैगा वंड दे समुचे साहित विचों गुजरना। जदों मंटो की कहानी टोभा टेक सिंह असी पढ़ते हैं जिस तरह वह पागलों की वंड करते हैं असल चो वंड मनुखता की है पागल वो नहीं है पागल तो वंड करने वाले है। लिटरेचर की तह थले कुछ होर पिया असी उन्होंने यही कही जाने आप पढ़ाने कि वह पागलों की वंड करते हैं हिंदू पागल उधर मुस्लिम पागल वो तो इन्ना बड़ा व्यंग किया होया तो मैं हैरान है वो उस व्यंग की रेंज किन्नी है टोभा टेक सिंह कहानी विच। ते जिस तरह वो जिहड़ा बंदा हैगा मैंटल जिहड़े हुंदे असल जो मैंटल नहीं सी उन्हां दी मौत हो जाती है तो उही मौत लद्देवाला बड़ैच कहानी विच किहदी हुंदी है चौधरी खुदाबख्श की। खुदाबख्श किक्कर दे नाल फाहा लै लैंदा जदों देखदा वो कि प्रीतो है कुड़ी सलमा है उन्हां दीआं सलवारां किक्करां पटंगियां होईआं वो किक्कर दे उपर फाहा लै लैंदा। तो उहदा किक्कर ते फाहा लैणा मनुख दा फाहा लैणा नहीं हैगा वो पंजाब दी इखलाक दा फाहा लैणा है वो पंजाब दीआं कल्चरल वैल्यूज़ दा फाहा लैणा है वो पंजाब दी जिहड़ी नैतिकता हैगा ना उसका उत्थे टंगिया जाणा है। सो ये कहानियां दी रेंज सरना साहब ने बहुत दूर तक सैट कीती होई है। छवियां दी रुत दी आपां गल करदे हां पहले भी मेरे साथी बुलारे उन्होंने गल कीती है तो कमाल की गल है कि वो भाषा सारी इदा की है छवियां की रुत की कि मनुख अपने आप को पट्ठी के मोहरे महसूस करता जिदा पट्ठी का सेक साढ़े मत्थे चढ़ता ना उस कहानी नू पढ़ के साडा चेहरा लाल हो जाता तो वह कहिंदा पठियारी रुत पट्ठी की रुत वो पट्ठी नहीं हैगी असल में नरक की पट्ठी है जिहड़ी इस्लाम दे विच जिहदा चिन्ह आता कि नरक की पट्ठी बलदी है जिथे सुटिया जाना माड़े काम करन वालियां नू। पर हुंदा की है कि उस पट्ठी दे विच उस वेले देखिया नहीं जांदा जिहड़ा भी मनुख दे उपर किसी दूजे गैर धर्म का चिन्ह निशान हैगा उहनू उत्थे सुट दिता जांदा। सो कहण तो भाव है कि सरना साहब दीआं कहानियां सारिया ही किहे दे नालों अणकिहे नू बहुत पेश करदीआं मैनू खासियत लगी उहनां दी कहानी की। सो इन्हां दे विच जिहड़े बहुत जुझारू पात्र है उन्होंने अपनी एक वक्री पछाण बनाई है गाजी कहानी है जो उन्होंने कहानी हीरा मिर्ग है। हीरा मिर्ग कहानी दे विच जिहड़ी कुलवंत सिंह विरक याद आता उस वेले जो कुलवंत सिंह विरक की चाचा कहानी या होर उजाड़ कहानी या होर है जिवें विरक दीआं कहानियां विच एक बजुर्ग पात्र घड़ी मुड़ी आता वो बेचारा बहुत नैतिकता दी दिंदा सिखिया ये धामी दीआं कहानियां च हुण भी आ रहा है मतलब किस तरह रिपीट हुंदा लिटरेचर दे विच घड़ी मुड़ी आ रहा हो पर जिहड़ी अगली पीढ़ी है वो उहदी सुनवाई नहीं करदी। जिमें इस गाजी कहानी विच लद्देवाला बड़ैच कहानी छवियां रुत विच भी जिहड़ी अगली पीढ़ी है वो इस्लाम समझा रही है वो इस्लाम की समझदारी नवी पैदा कर रही है वो समझा रही है उल्टा अपने बजुर्गों नूं। सो ये हीरा मिर्ग कहानी दे विच जिहड़ी बरकत है वो सिख औरतां नूं जिहड़ी वो बचांदी है उहदा इक्को ही लाइन है सारी कहानी का केंद्र वो कहिंदी सिख तां साढ़े सकियां तों भी वध है। इक्को ही लाइन दे विच ना कुलवंत सिंह विरक याद आ गया यही लाइन विरक की कहानी विच कहिंदे सिख तां साढ़े सकियां तों भी वध है असीं इन्हां नूं किद्दां जाण दईए इत्थों। सो कहानी ने इस तरह का एक भावुक माहौल जिहड़ा हैगा वो पेश किया। सो इहदियां कहानियां दे विच जिहड़ी औरत का मसला है ना वो बड़ा एक वक्री किस्म की एक निगाह की मांग करता कि औरत जिहड़ी हैगी है ना सब तो वध सानूं पता कि वह पीड़ित हुंदी है संकट वेले भी संकट तो बिना भी हर वेले पीड़ित हुंदी है। तो एक कहानी विच ग्रंथी ना प्रसाद नहीं बनता संगरांद तो बाद जहर बन दिंदा जे लोग उत्थे लड़कियां आईयां ना उन्हां नूं जहर बन दिंदा
तो लोग इनू बहुत माण महसूस करते हैं, हजे भी माण करते हैं कि साड़ियाँ कुड़ियाँ ने उत्थे की किया, किसी होर दे कोल नहीं गई, ना उन्होंने हाथ आई, वो जहर खा के मरना कबूल किया। सब तो शर्मनाक गल है, सब तो माड़ी गल है, एक मनुख नू जहर खा के मरना पवे तो असी उसते माण महसूस करिए, असी उसते प्राउड महसूस करिए, इस तो ज़्यादा शर्मनाक ही हो सकता। सो ये जड़ियाँ कहानियां हैं, इस कहानी का एको ही पक्ष, ये कई अण पक्षा सानू साडे सामने जड़ियाँ अण किहे नू वो साडे सामने पेश कर दिंदा। सो जिहड़ा औरत ईमान कहानी दी जिक्र होया उहदे विच जिहड़ियां वो लड़की हैगी है जो चरखा वापस कर दिंदी है, मैडम उन्होंने गल भी की सी, वो बड़ी लोड़ सी क्योंकि आर्थिक बहुत पाड़ा सीगा लोगों के विच, ते वो चरखे की बड़ी तमन्ना सीगी, जिवें कि करतार सिंह दुग्गल की कहानी हैगी उच्ची अड्डी वाला सैंडल, वो जो सैंडल की बड़ी तमन्ना है कुड़ी नूं, ते वो जिहड़ी तमन्ना है पर वो तमन्ना नूं वो पैदा हुंदी है, पर वो देखदी है कि चरखा किसी होर दे घरों आया जिहड़ा घर इस वेले धू धू बल रहा, वो कहिंदी कि चरखा भी उत्थे सुटिया तां जो कि यह चरखा उन्होंने साइया को चली जाए। तो जोड़ा उत्थे नूरा उत्थे लास्ट में कहता ना, वो बहुत कमाल की गल है, वो कहता कि अज जे औरत दे हाथ मजहब होंदा, औरत दे हाथ समाज होंदा, औरत दे हाथ सत्ता होंदी तां ये दिन तलहाही नूं देखने ना पैंदे, तलवाही पिंड नूं। वो एको लाइन दे विच सारा उन्हें चोरी कर दिता कि धर्म की लड़ाई किहदी है, मर्दां दी, सत्ता की लड़ाई किहदी है, मर्दां दी, समाजिक चौधर की लड़ाई किहदी है, मर्दां दी, पीड़ित कौन हो रहा, औरत, सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, सब तो वध औरत पीड़ हो रही है। तो जिहड़ा औरत दा इह दूरा दुखांत है, औरत दा दूरा दुखांत है, वो तो कहिंदी जे तुसीं मतलब आजाद भी हो गए 47 विच तां आजाद कौन होंगे, मर्द होंगे ना, औरत थोड़ी आजाद होंगी, औरत तां गुलाम ही रहेगी, साडी गुलामी का कोई संबंध ही नहीं है। जिवें दलित मूवमेंट दे विच कहिंदे कि साडा की मतलब है, आजाद कौन होएगा, आजाद तो स्वर्ण जातियां होणगियां ना, दलित थोड़ी आजाद होणगे, दलित औरत की कहती है, वो तीरी गुलामी दे विच है, कौन आजाद होएगा, आजाद होणगे लोग, उच्च कौन आजाद होगा, स्वर्ण जातियां, स्वर्ण जातियां विचों कौन होएगा आजाद, मर्द। कहने तो भाव कि साढ़े सोसायटी दियाँ इन्नियां ज़्यादा परतां हन जिन्हां दे वल लिटरेचर ही एक जिहड़ा हैगा इशारा वो कर सकदा। लास्ट मैं गल भाषा ते करनी है, सरना साहब की भाषा नूं जदों पढ़ते हैं ना असीं, तां मैनूं इह लगदा कि सरना साहब ने मतलब एक एक शब्द दे विच ना, एक एक वाक दे विच बरूद भर दिता, इदां दे मैनूं दृश्य देखण नूं मिलते हैं। एक उन्हां दा मैं जे तुहाडे नाल सांझा करां कि वो कहिंदा पिंड दी चौफाल है ना जिहड़ी, उहदा एक सीन वह दिखा रहा सानूं, उहदे विच देखो किन्नी मिथ, किन्नी फिलोसफी, किन्ना इतिहास साडे सामने पेश हो रहा। वो कहिंदा पिंड दी चौपाल सुन्नी पई सी, आंदियां तिरकालां उहदे उत्ते मातम दी सफ विछा रहीआं सन, ते पिछोकड़ विच सरीं दे रुख ऐदां निमूझणे खड़े सन जिवें उहनां दे सोतर मुक गए होण। परले बन्ने छप्पड़ वाली रूढ़ी तो एक कुत्ते ने हुआंक कढ़ी, हुण कुत्ता भौंकदा वक्खरा हुंदा, हुआंक होर कढ़दा। साडे कई वार इत्थे लेखक हुंदे उह लिख दिंदे कि मैं बीड़ी दे कश ले, कश बीड़ी दे नहीं सिगरट दे हो सकते है, मतलब इन्ना ज़्यादा अलर्ट है ना सरना साहब, इन्ने अलर्ट है भाषा दे लई। वो कहिंदे कि कुत्ते ने हुआंक कढ़ी जो एक लम्मी अलौणी वांग पिंड गिरद चक्कर ला के मुड़ रूढ़ी ते आके मुक गई, रूढ़ी दे ढेर ते आके वो हुआंक कहिंदे खत्म हो गई, सरीहां तो एक गिरज उड्डी ते अपने भारे खंभां हेठ रज्जे हुए शरीर नूं मसां चुकदी हुई नेरे च गुआच गई। मसीत वाले दारे विच्चों कोई उल्लू अपनी नहिश आवाज़ नाल आउंदा रात नूं न्यौंदा देण लगा, अख पलकारे विच तरकालां रात विच बट गईआं, रात जो मौत दी कनात वांग सारी दी सारी पिंड उत्ते चुफाल डिग पई, ते पीला नताणा चन्न प्रेत वस होई मुटियार, प्रेत वस होई मुटियार वांग लड़खड़ाण लगा। चैखोव दी इक कोटेशन है, वो कहिंदा कि जेकर उहदा इक मतलब गन थ्योरी है, बहुत समझाने का तरीका ही है एक, वो कहिंदा कि जेकर नाटक दे विच एक गन का दृश्य आ रहा ना शुरू विच, जेकर उस गन का कोई फंक्शन नहीं आता पूरे नाटक विच, तां वो दृश्य आना नहीं चाहिए। इन्ने अलर्ट, इन्ने सजग हो के, इन्ने जागरूक, इन्ने चेतन हो के सानू भाषा की जी वरतों करनी चाहिए है। इस पंक्तियां विच कहिंदा गिरज अपने खंभा हेठले भारे शरीर नूं लैके, ये बाद च पता लगता कि गिरज का शरीर भारा क्यों सीगा,
क्योंकि गिरज ने की सगा हिंदू नहीं देखा सिख नहीं देखा उन्हें मास खाना सगा तो ये गिरज सिर्फ गिरज नहीं हैगी गिरज सत्ता है असल जिहड़ी कि शरीर भारा लैके इस तरह उड़ के कितने होर चले जाती कित होर चले जाती है। सो समुचे तौर पर मैं उन्हां दीआं कहानियां दे बारे दोबारा उन्हां दा एक पाठ करके बड़ा चंगा महसूस होया। सरना साहब की फैमिली नूं भी मैं मुबारकबाद दिंदा ते उन्हां दी गल बिल्कुल ठीक है मैडम उन्हां दी कि वो एक थॉट दे नाल तुसी जुड़े हुए हो तो असी भी तुहाडे परिवार का हिस्सा ही हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रबंधकों का समूह हाजरीन का धन्यवाद। किसी भी साहित्यक पाठ नूं जदों भी कोई पाठक पढ़ेगा उहदी पढ़त वक्री होएगी वो पढ़त उसके अपने उम्र उसका अनुभव उसकी समझ उसके नज़रिए दे उत्ते डिपेंड करेगी और सब तो इंपॉर्टेंट होंगे कि कोई पाठ इन्नियां गुंजाइशां बनावे कि उन्हों इन्ने तरह पढ़िया जा सके। डॉक्टर जे बी सेखों होना ने जिमें उन्हों ही लाइनों के तुहानू दार्शनिकता इतिहास मिथ फिलोसफी उठा के दिखाइए जे सरना साहब दीआं कहानियां इन्नियां गुंजाइशां बनाउंदियां ने तां असीं उन्हां नूं उठाल सकदे आ उठालण दी समर्था साडी अलग अलग हो सकती है पर कोई पाठक ऐसा नहीं हो सकता जिहड़ा सरना साहब दीआं कहानियां पढ़े तो उन्हां दे भाशाई सोहज नूं भाशाई समर्था नूं माणे ना। ये असीं कल लगातार कल तो देखते आ रहे हैं कि हर एक कोल कहण लई कुछ ना कुछ है और चंगा लग रहा हैगा कि हर जिहड़ा पेपर रीडर है वो कोई ना कोई नवी गल ऐड कर रहा है इस दे विच। इहदे लई प्रबंधक इस करके भी वधाई दे पात्र हैगे ने कि उन्होंने ये चोण इस तरह की कि हर पक्ष जिहड़ा हैगा कहानी का उघाड़िया जा सके। डॉक्टर मनमोहन होना ने मैनू पर्ची भेजी से कुछ इंटरवेंशन करना चाहते ने कुछ उन्होंने प्रतिक्रम ने मैं उन्होंने हाँ उन्होंने गुजारिश करांगी कि वह मैं सिर्फ एक गल की वजाहत करना चाह रहा सीगा कि खास करके जी बी सिखों के पेपर के संदर्भ के विच उस वेले दी जिहड़ा समाज सी वो अपने सारे तफरकात के बावजूद भी बहुत कोहेसिव और इनकलूसिव सी। तुसी देखो कि आम रोज़मर्रा की जिंदगी दे विच जे तुसी स्टेशन ते गए जे उस वेले दे स्टेशन ते दो पानी मिलते सी हिंदू पानी ते सिख पानी मुसलमान पानी और वो एक सहज सुभा का अंग सी। जे पिंडां दे विच मुसलमाना दे घर विआह हुंदा सी ते हिंदू बरादरी दे जिहड़े उन्हारे मित्र जिहड़े सीगे उन्हारे दोस्त आउंदे सी ते एक एक्सेप्टेड व्यवहार सी कि उन्हां नूं सुक्का राशन पा दिता जांदा सी उन्हां नूं भांडे भी दित्ते जांदे सी और उन्हां दे जिहड़े हलवाई आउंदे सी जिहड़ा कुक आउंदे सी वह भी उन्हां दे अलग हुंदे सी। इन्हां सारियां और उन्हां दा खाणा अलग बणदा सी पर बरात जदों जांदी सी वह सांझे तौर ते जांदे सी। होर भी कई सारे व्यवहार जिहड़े सीगे वो आम सहज सुभा का अंग सी। उहदे पिछे दो तीन इतिहासिक कारण ने। मुसलमान जिहड़ी साडी जिहड़ा जिहड़ा छुआछूत का जिहड़ा संकल्प है जां व्यवहार है वो पोल्यूशन बेस्ड है। जिहड़ियां शिल्पी जातां सीगियां जां जिहड़ियां वह काम करदियां सी जिहड़े जिन्हां नूं गंदे काम मन्निया जांदा सी जां हाइजीनिक तौर पर साफ सुथरे काम नहीं सी मन्निया जांदा उहदा जिहड़ा बेस सीगा वह पोल्यूशन बेस सीगा कि यह साडे सिस्टम नूं पोल्यूट कर देगा इस करके छुआछात हुंदी सीगी। मुसलमान नूं डबल छुआछात भोगनी पैंदी सीगी उहदा कारण यह है
कि मिडल जिहड़ियां सेंचुरीज सीगियां उहदे विच मैक्सिमम जिहड़ी कन्वर्शन हुई वह लोअर कास्ट तो हुई और लोअर कास्ट तो जिहड़ी कन्वर्शन हुई एक तो वह सी इस करके मलेश ते भिट होण दा जिहड़ा सीगा एक दूरी जिहड़ी छुआछात सीगी जिहड़ी तुहाडी साइकोलॉजी च बैठी हुई सीगी। पर इस सब कुछ के बावजूद भी जिहड़ी समाज दे विच होंद सीगी वह सह होंद दी सीगी। ये एक पंजाबीयत दा एक बहुत वड्डा को एग्जिस्टेंस दा इनकलूसिवनैस दा एक बहुत वड्डा सीगा ज्ञान की पद्धर के उत्ते भी विहार की पद्धर के उत्ते भी और जीवन की पद्धर के उत्ते भी ये सारा कुछ मिलया होया सी। वापरिया ये जिहड़ी फॉल्ट लाइनस जिहड़ियां डिवेलप हुई पोलीटिकल फॉल्ट लाइनस और उहदे विच जिहड़े सियासी और निजी मुफाद और इमीजिएट गेन्स जिहड़े सीगे उन्होंने सारी सिस्टम नूं हुण तुसीं देखो कि जिहड़ा 15 अगस्त तो बाद जिहड़ी 50% जिहड़ी एथनिक क्लिनजिंग हुई जां सफाया जिहड़ा होया इधरले पंजाब दा उहदे विच बहुत वो अपने आप नहीं होया उहदे पिछे बहुत सारिया 3-4 बड़िया मेजर परसनैलिटीज़ काम कर रही सीगियां जिहदा इश्तियाक अहमद जां होर इतिहासकार गल जवाब देंदे ने जिदा उधम सिंह नागोके ईश्वर सिंह मजहल ये 2-3 जिहड़े सीगे लीडर उस वेले सिख दे लीडर सी ताकि उन्होंने दिमाग सीगा कि जदों ये अपने आप पापूलेशन इंबैलेंस हो जाएगा और एक नवी तरह का बैलेंस नवी तरह का ऑर्डर क्रिएट होएगा तो साड़ी जिहड़ी सिख ऑटोनमी वाला जिहड़ा कॉन्सैप्ट जिहड़ा सीगा उहदियां जड़ां इस विच पईआं होईआं सी। सो तुसीं देखो कि सभ्याचारक व्यवहारक अमल दे विच सारा कुछ सांझा सीगा पर जिहड़ियां फॉल्ट लाइनस डिवेलप होईआं वह इमीजिएट गेन्स और इमीजिएट पोलिटिकल गेन्स की प्राप्ति वास्ते होईआं जिहदा जिहड़ा सब तो वड्डा जिहड़ा गवाह है इन्हां कहानियां दे विच सानूं दिखाई देंदा है। सो इस गल नूं मैं बिल्कुल इस गल नाल मैं सहमत हाँ कि जिहड़ी मध्यकाल की जिहड़ी सहिहोंद ते सहचार की जिहड़ी भावना सीगी वो अच्छा उस तो बाद भी जिहड़ी सेंस ऑफ गिल्ट है वो इमीजिएट वंड तो बाद जदों दिल्ली विच मुशायरा होया और च प्राइम मिनिस्टर नेहरू खुद उत्थे हाजिर सीगे ते उस्ताद दामन ने जिहड़ी नज़म पढ़ी वो पढ़ी के अखियां दी लाली पई दस दिए रोए तुसीं भी हो रोए असी भी हाँ। सो वो जिहड़ा मन दे विच जिहड़ी है ना वो प्रगेशन वो जिहड़ा मुक्त होण दा जिहड़ा चाह है वो इन्हां लाइनां उस्ताद दामन दियां चों मिलदा है। सो मैं ये कहना चाहुंदा है कि इस करके पंजाबीयत दा संकल्प ज़्यादा वड्डा है बनिस्पत होरना सारे संकल्पां दे। धन्नवाद जी। सरना साहब नूं हुण क्योंकि असीं एक फासले तो उन्हां नूं पढ़ रहे हां एक समा बीत गया है तां उन्हां दा जिहड़ा शख्सी एक नमनुहार या प्रभाव साढ़े मन में उन्होंने लिखता राही आई उन्होंने ये बहुत गल कलैरिटी आती है कि ही वॉज अ कंटेंटेड मैन उन्होंने कितने भी साडा मतलब बहुत जो औस्त लेखक है वह भी इस गल के उत्ते हमेशा इतराज़ करता है कि आलोचकों ने मैं गौलिया नहीं पर हर थान के उत्ते एक कंटेंटमेंट दिखाते हैं कि मेरिया लिखत सलाहिया गई ने उन्होंने आह आह गुण देखे गए हैं ये उन्होंने मेकिंग पई है जदों वह अपनी स्वैजीवनी विच किताबों का जिक्र करन लगते हैं कि मैं किन्ना किताबों तो प्रभाव ग्रहण किया तो वह सैमुअल स्माइल्स की किताब जिहड़ी कि सैल्फ हैल्प करैक्टर है उसका जिक्र करते हैं जां लाला हरदयाल की किताब का करते हैं हिंट्स फॉर सैल्फ कल्चर सदाचारकता सुहिरदता या जिहड़ी नैतिकता हैगी है और वह नैतिकता जिहड़ी कि मानववाद दे नाल अपनी पूरी तदरूपता बनाती है ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪਰਸਨ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਦਾਚਾਰਕਤਾ ਜਾਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ
किस पक्ष नूं अपनियां कहानियां दा विशा बनाना। सरना साहब उस इलाके दे विच रह रहे ने जिहदे विच मार्च 1947 दे विच ही एक मुस्लिम लीग जिहड़ी हैगी अपना ट्रेलर दिखा चुकी है कि जे साडा पाकिस्तान नहीं बनता तो असीं की कर सकते हैं। वो ट्रेलर उन्होंने पहला देखिया। दूसरी गल है कि जिस दिन पाकिस्तान दीआं सारीआं बिल्डिंग्स उत्ते झंडे झूल रहे हैगे ने, पाकिस्तान बन रहा हैगा, बन चुका है, उस दिन भी वह उत्थे ही ने और वह रात भी उन्होंने यह देखना पैंदा हैगा कि जान बचाउणी किवें आ, भज के वह दूसरी थान दे उत्ते जान बचाउंदे ने। सितंबर दे विच वह उत्थों निकल पाउंदे ने। इहदा मतलब हैगा कि उत्थे नवीआं सैटलमेंट्स होणीआं शुरू हो चुकीआं ने जदों तक वह उत्थे हैगे ने। फिर हैगा कि एक महीना उन्होंने अपने फादर नूं ते अपने ब्रदर नूं लैण दे लई बार बार दिल्ली तों अमृतसर जाना पैंदा हैगा। तो वह टाइम है जिहड़ा सब तो वध टर्मोइल का टाइम है। राहां दे विचों लंघदिआं भावें जहाज़ दे उत्ते लंघ रहे ने उन्होंने थल्लों धुएं दिख रहे हैं, जे वह गड्डी का सफ़र कर रहे हैगे ने तो उन्होंने दिख रहा हैगा कि आसे पासे किवें जिहड़ा अजे भी लोगों के विचों नहीं गई तां उतर के भी गड्डी दे उत्तों गोली मारी जा सकती है। तो वह वाला जिहड़ा जिहड़ा उन्होंने माहौल उन्हां दीआं अखां दे सामने हैगा वह जदों कहानियां दे विच पेश हुंदा वह बाकियां दे नालों वक्खरा किवें है। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਲੀਅਨ ਅਫਸਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਬਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੱਧੂ, ਇਕਬਾਲ ਹੁਸੈਨ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਕੇ ਡਬੋਏ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਨਿਰੁੱਧ ਕਾਲਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਬ ਤਰਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਸੂਸ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਘਰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਭੋਏ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਇੰਝ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਰਾਬਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਰਾਬਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਦਮਾ ਮੈਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ IAS ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਰੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਮੁੜ ਸਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਮਦਾ ਮਨਸੂਰਾਂ ਇਸਾਵਾਂ ਦਾ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾਤਰੀਅਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੰਨੀ ਛਿਣ ਭੰਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹ ਚੀਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲਤ ਅਤੇ ਰਸਵਾਈ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਜੋ ਘਟਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਲੰਕ ਮੇਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਡੈਪਥ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਧਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਹਰਸਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਾਇਕਤਵ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੰਡਾਈਆਂ ਜ਼ਿਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ।
बहुत सारिया कहानियां जिक्र आ चुका मैं वो रिपीट नहीं करांगी टाइम दे काट करके गौंतलां वाला होवे काजी दा कोट होवे लद्दे वाला वड़ैच होवे गाजी होवे इंसानियत दा सिपाही होवे मैं पाठकां नूं कहांगी कि कहानियां जदों तुसीं पढ़ोगे तां तुहानूं अपना स्वाद आएगा ये मानण वालियां कहानियां ने यह सुनाउण वालियां कहानियां नहीं हैगियां और नारी पात्रां बारे गल कीती सी नारी पात्र सचमुच सरने हुणां दे जिहड़े चित्रे होए नारी पात्र ने वह मर्दां तों वी कई गुणा वध शक्तिशाली ने छवियां दी रुत दी दीन लोहार दी जिहड़ी घरवाली है परमेश्वरी है हीरा मिर्ग है औरत ते मान है वह अपने पुत्तां नूं पतियां नूं लानतां पा रहियां हैगियां ने कि तुसीं लुटदा समान चक किवें लए और वध हिम्मत दे नाल वह उन्हां दी हैल्प करन दी अगे हो के तुरदियां ने घरत पक्षों बहुत सोहनी गल की मेघा होना ने कुछ गल्लां कलात्मक तरतीब बारे हरप्रीत ने भी कीतियां जिनी खूबसूरती दे नाल ओह घटनावां नूं बीड़दे ने जां उन्हां दी कहिंदा मतलब जड़दे ने इंज लगदा कि यह तरतीब ही इनएविटेबल है इस तों बाद होर कोई तरतीब हो नहीं सी सकदी जिनी प्रवीणता दे नाल जिनी समुचता दे नाल जिनी हारमनी दे नाल ओह चीज़ां नूं जोड़दे ने और एक अहसासां नूं जिस तरह का संघणापन जिस तरह की सटीकता और जिस तरह की गहराई माहौल दिंदा मैं हैरान नहीं कि बहुत घट कहानियां होणगियां जिन्हां दे विचों तुसीं देखोगे कि गावां मझां घोड़ियां बकरियां है ना जां कुत्ते जां फनियर इहो जिहे भी जिहड़े कन्ना पात्र हैगे ने अपनी परसोनीफिकेशन च अपनी सजीवता विच आ जाणगे ते तुहानूं इक किस्म दे नुओशी दवा जाणगे बहुत औखा इह चीज़ां सिरजणियां पर उन्होंने सिरजियां और कपाहां कमाद सारे उन्हां दी कहानी दे विच जिस तरह आ रहे ने चौसे अंब की कहानी पढ़ो तो लगता तुम तो कदम सोचा ही नहीं कि अंब इन्नी किस्म के भी हो सकते हैं यूकलिप्टस बारे कहानी पढ़ो तो तुम लगता है कि जिहड़ियां कुदरत की कली कली चीज़ को सुनेहा पिया तुहाडे कोल और इनवायरमेंट बारे अज कहानियां दी वातावरण चेतना बारे कहानियां की गल अज होण लगी है पर उन्होंने कहानियों के बहुत पहला समा इत्थे हाजिर है और गलती भाषा बारे बहुत गल हो गई मेरा बहुत जी करता सी कि बहुत सारिया गल्लां कीतियां जाण नवें नवें तुसीं कदे कहिंदा मतलब सोचा ही नहीं हुंदा कि किन्नी जज्बियां गुदी और किन्नी कल्पना नूं लगातार सीखण वाली भाषा वह वरतदे ने लाजवर्दी आकाश पणियालियां अखां छिटकी हुई चाननी उत्ते मणा मूही चिक्कड़ मतलब जिहड़ा कंट्रास्ट बनाउंदे ने वह कई बार तुहानूं हैरान कर दिंदा हैगा कि इन्नी क्रिएटिव लैंग्वेज जिहड़ी हैगी आ वह बहुत बहुत ही जिहड़ा बंदा मतलब निठ के सोचदा जिहदी पर नीज़ बहुत तिखी है सिर्फ उही इह कुछ कर सकदा और उन्हां दीआं कहानियां जिहड़ीआं ने जदों उन्हां दे स्नेह वल आपां आईए तां उह साडी बौद्धिकता नूं ही साडीआं इमोशन नूं साडीआं सेंसिस नूं एनरिच करदीआं ने और साडी जिहड़ी बंदे दी अंदरली बंदियाई है उस नूं अप्रोच करदीआं ने ਉਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਪੱਤਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਮੌਕਾ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਣੀ ਬੰਦਿਆਈ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਉਸ ਬੰਦਿਆਈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੈਲਟ ਇਨਸਾਈਟਡ ਇਨਸਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਰਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬੈਠਿਆਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਸਰਨਾ ਰਚਿਤ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੇਧ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ
वो मिलता और इनकलूसिवनैस जी पंजाब की अजे भी मैं लगता है कि सारे हिंदुस्तान नालों वक्री है। तुम देखो 47 की वंड तो बाद 60 वाला दौर भी असी वेख्या जदों भाषा के नाते बड़ा कुछ हो रहा सी। उस वेले भी पंजाब विच हिंदू सिख वो वितकरारी बनिया और उस तो बाद जड़ा 80 का दौर है वो भावें कुछ अंसर वालों कुछ लोगों बसा चो कढ के भी मारिया गया पर साडे विच अजे तक वो डिवाइड पंजाब च नहीं होया। अजे भी मेरे पिंड मंदिर नहीं है पर हिंदुओं के घर 10-12 है वो सारे गुरुद्वारे जाते हैं और जेडे साडे पिंड खानगाह और हर वीरवार को सारा पिंड खानगाह ही उवें जाता जिवें 47 तो पहले जाता सी। सो ये जिहड़े साडे साहित्यकार आ सरना साहब वर्गे उन्हां दी देण है कि उन्होंने पंजाब नूं उस तरह इंटैक्ट रख्या होया पंजाब दी सोसायटी नूं इंटैक्ट रख्या होया। सो आपां अजे एक सैशन होर गल करनी है इस अगले सैशन दे विच डॉक्टर मनजीत सिंह उन्होंने डॉक्टर मनजिंदर सिंह ते डॉक्टर प्रवीर उन्होंने परचे ने बलबीर माधोपुरी हुणी प्रधानगी करनी है। अज दे हुण दे सैशन दे चारां विद्वाना दा प्रधान साहब दा बहुत बहुत धन्यवाद। अपन 10 मिनट चाह का ब्रेक लैके नाल ही शुरू करांगे क्योंकि साहित्य अकादमी वालों भाई वीर सिंह साहित सदन सहयोग करके अज का दूजे दिन का आखिरी जिहड़ा दिन आ चौथा सैशन ये नाल ही समाप्ति भी होनी है ते तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत स्वागत ते धन्नवाद भी कि तुसीं कल दे निठ के जिहड़ियां गल्लां बातां सरना साहब बारे सुनदे आ रहे हैं ते कीतियां गल्लां और सिखण दा भी बहुत इहदे विच जिहड़ा आ ओह सारयां नूं मेरा ख्याल आ कि चंगा मौका मिल रहा। जिहड़ा सरना साहब दे नाल थॉट दे पक्ष तों गल होई आ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮਵਰ ਸਮਾਜ ਚਿੰਤਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ 1994 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਛਪਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਭਾਪਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਵਯੁੱਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਆ ਬਹੁਤ ਸਿਨੇਮਰ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਊਂਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਛਪੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਰਮੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੋਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਝਾਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਖੁਲਾਇਆ ਭਾਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਘਬਰਾਇਆ ਕਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਹਿਤਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਨਵਯੁੱਗ ਨੇ ਛਾਪੀ ਆ ਅਤੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 225 ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲਿਖੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੱਖ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ
वैसे तो सारे ने पढ़िया। मैं सरना साहब सच गल दसदा, जिनी बारी मैं पढ़िया 30 साल पहला तो हूँ मैं किन्नी बारी भावुक होया। पढ़िया नहीं जाता कई बारी, वो इन्ना दुखांत त्रासदी हैगी साढ़े मजहब के नाते। तो जिहड़ा इंसानियत के पक्ष की असीं गल करदे आ, उन्होंने बार बार इत्ते पहरा दिता भी आप इंसानी पक्षा नूं जिहड़ा अपने लिटरेचर विच उभारना आ। तो उन्हां तों असीं एक चंगी गल जिहड़ी आ मैं भी निजी तौर पर सीखी जां करदे आ उहदे लैवल ते काम। तो ये जिहड़ा साहित्यक स्वै जीवनी बारे अज उन्हां दी गलबात आ जिहड़ी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने छापी हुआ हुण कहिंदे आ होर भी दुबारा भी छप गई आ। इहदे विच जदों मैं उन्हां दा पढ़दा सीगा स्वै जीवनी नूं, मेरी साहित्यक स्वै जीवनी नूं, उदों भी उह जिद्दां रावलपिंडी तों आउणा पटियाले दीआं गल्लां दिल्ली दीआं गल्लां उह लूं कंडे खड़े करन वालीआं, उह इन्ना समाजिक जथार्थ आ उहदे विच कि आम जिहड़ा बंदा आ उह थोड़ा जिहा वी सेंसिटिव हैगा ते उहनूं कदी भुल नहीं सकदा इहनां वेरव्यां नूं। ते जिद्दां कि आपां हुण पहला सोच लिया कि 15-15 मिनट का समा हैगा सारे साढ़े सारे वास्ते, तो मैं भी ज़्यादा नहीं गलबात करनी, मैनू आँदी भी नहीं करनी, जिदा प्रोफेसर लगातार ज़्यादा बोल लेंगे मैनू नहीं आता बोलना। खैर आप अज के जोड़े 3 पेपर आ स्वै जीवनी, तो प्रोफेसर मनजीत सिंह जी, डॉक्टर मनजिंदर सिंह, डॉक्टर प्रवीण शेरों, इन दारे आप नाल नाल बाद भी गल कर लवेंगे प्रोफेसर बारे। तो सब तो पहला तो मैं डॉक्टर मनजीत सिंह होर गुजारिश करदा कि वह महिंदर सिंह सरना जी की साहित्यक स्वै जीवनी जिसनों पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने छापिया ही है तुहाडे कोल भी आ, ते उहदे ते अपना पेपर पेश करन, महिंदर सिंह सरना की साहित्यक स्वै जीवनी। तो इन्हां बारे तुहानू सारा पता ही आ भी साडे किन्ने वड्डे विद्वान लेखक आ, किन्नियां यूनिवर्सिटियां च किन्नियां किताबां लगातार कानफ्रांसा च लैक्चर देने करने और लिख के करते हैं हमेशा, इन्ह की सिफत आ जाओ भी इदा जवानी कलामी काम करके नहीं जाते, लिख के ही हमेशा करते हैं, ये साडे लिए एक बहुत बड़ी माण की गल है। आओ जी मनजीत सिंह जी। मेरे पेपर का जिहड़ा सिरलेख है वह है मेरी साहित्यक स्वै जीवनी एक दृष्टि संपन्न दस्तावेज, एक डाकूमेंट है जड़ा एक पूरी विजन जड़ी रखता है। तो मैं सारा पेपर नहीं पढ़ाँगा, पेपर थोड़ा लंबा है इस करके मैं मोटी मोटिया गल्ला 1990 प्रकाशित हुई पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जिवें माधोपुर जी दस रहे सन, और इस दे विच जड़े बेसिक गल्लां जड़ियां ने वह साहित्यक स्वै जीवनी हैगी, जिवें स्वै जीवनी तो साहित्यक स्वै जीवनी की फर्क हुंदा है वह थोड़ा जिहा दस के। जिहड़ी सब तो वड्डी गल है वह यह है कि इस स्वै जीवनी का जिहड़ा आरंभ हुंदा है वह बड़ा ही बड़े सटल तरीके दे नाल और पूरी जिहड़ी विजन है वह साकार हो जाती है। सानूं पता लगता है कि भई ये स्वै जीवनी जिहड़ी है साहित्यक स्वै जीवनी किस रस्ते वल जाएगी। उस स्वै जीवनी दे विच तुसीं देखोगे कि मैं वो थोड़ा जिहा कोटेशन पढ़ के दसना, ये सब तो पहलियां मुढ़लियां लाइना ने इस स्वै जीवनी दियां। हर जीवन का आरंभ जन्म नाल हुंदा है, जन्म एक करामात है जिवें मौत एक करामात है। जन्म तो पहला अरबां खरबां सालां तो जिंदगी अपनी असगाहता विच चल रही हुंदी है, मौत तो मगरों अरबां खरबां सालां में तीक चलदी रहेगी, विचकार उमरां दे छिन इस असगाहता विच जुगनुआं वांग जगदे बुझदे रहिंदे हन। इस इन्हां मुढ़लियां लाइनां दे नाल इह शुरू हुंदा है, ते इत्थों ही पता चल जांदा है कि जिहड़ा महिंदर सिंह सरना है ਉਹ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ
वो ये इस जन्म नहीं बहुत समझ रहे, वो कहते जन्म जड़ा ये एक जुगनुआ दे वांग जिमें जगदे बुझदे जुगनू ने वो एक एक जुगनू दे वांग ही उस मैटाफर के रूप के बीच उस लेंदे ने। पर वो कहते कि इस तो पहले भी साड़ा जीवन सीगा और इस तो मौत तो बाद भी साड़ा जीवन होएगा, तो विचकार जड़ा एक छोटा जा एक पल हैगा उस पल दे विच असी जिहड़े ने ये सारी खेड जिहड़ी है उसकी खेडा उस सारी खेड जिहड़ी है उस उन्हां पलां दी हैगी है। विचकार उमरां दे छिन इस असघाता विच जुगनुआं वांग जगदे बुझदे रहिंदे हन। कथन मूल रूप विच अध्यात्मक दृष्टि दा लखायक है। जैसे जल में जैसे जलते बुदबुदा उपजै बिन सह मीत उपजै बिन सह नीत वाली गुरबाणी दी अध्यात्मक अंतरदृष्टि ही इत्थे डीकंस्ट्रक्ट मैं दोनों शब्द वरते ने पंजाबी विच दोनों शब्द वरते जाते हैं उत्पा उत्थापित ते विरचित होई नज़र आती है डीकंस्ट्रक्शन। जिहड़ी हुणे जे बी सेखों जी गल कर रहे सन कि वह पूरा मिडीवल थॉस थॉट जिहड़ा उहदे विचों इह कहानियां जिहड़ी जन्म लै रही ने ना भावें इन्हां दे जिहड़े प्रेरणा स्रोत हैगे कंटेंपरेरी जिहड़ियां वारदातां हो रही ने आस पास जिहड़ियां होर सब कुछ हो रहा उस सर उस नूं प्रेरणा लैंदे पए ने पर उन्हां दे पिछे जिहड़ा थॉट है वह थॉट जिहड़ा वह सारा मिडीवल उस सारे मध्यकाल का जिहदे विच जिदे विच डॉक्टर मनमोहन हुणे कह गए कि वह इनकलूसिव सी उहदे विच इह जिहड़ा जे गुरु ग्रंथ साहिब की संस्थापना हो रही है गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना हो रही है उहदे विच मुगल भी बैठे हुए हैं उहदे विच इस वेले मुसलमान भी बैठे हुए हैं उहदे विच जिहड़ा हज़रत मुहम्मद साहब जिहड़े ने उहनां दे सॉरी जिहड़े साईं मियां मीर जिहड़े ने उह दरबार साहिब दा नींह पत्थर रख रहे हैं बाबा फरीद जी बैठे हुए ने उहदे विच 15 भगत बैठे हुए ने। यह जिहड़ी इनकलूसिवनैस जिहड़ी है वो जिहड़ी मिडीवल एज दी मिडीवल पीरियड दी उस इनकलूसिवनैस नूं ओ किसी ना किसी रूप विच डीकंस्ट्रक्ट करके ओ पेश करदे ने। ते मैनूं इत्थे ही गल इक याद आ गई यह जिहड़ा जिहड़ा इहदा मतलब ही हो गया कि महिंदर सिंह सरना जिहड़े ने ओ जीवन नूं किस तरह लैंदे ने ओ मनुखी जीवन नूं किस पद्धर ते लैंदे ने इहदा मतलब ही हो गया कि ये मनुखी जीवन नूं एक मन की पद्धर ते लै रहे ने। मन की पद्धर ते बंदा इस तो पहला भी जीउंदा जन्म तो पहला भी जीउंदा मौत तो बाद भी जीउंदा मन की पद्धर ते शरीरक पद्धर ते बंदा विनाश हो जाता है मर जाता मौत हो जाती है पर मन की पद्धर ते बंदा उस तो पहला भी जीउंदा उस तो बाद भी जीउंदा है। तो मैं इस दे विच समस्तबरेज दियां ये पंक्तियां याद आ गईयां आदम ना बूदो मन बूदो हवा ना बूदो मन बूदो कुछ ना बूदो मन बूदो भाव जदों आदम हवा कुछ भी नहीं सी मैं भाव मन सा। शम्स तबरेज मूल रूप विच फारसी का एक नामवर सूफी कवि होया है जिसने अपनियां 9 मावां दे नां तक भी गिण दिते सन। खैर एस्ट्रोनॉमी के हिसाब नाल उसने महिंदर सिंह सरन की गल कर रहा दी राशि लिबरा है अते उस दी बनती है अते उस दी पत्नी दी राशि भी लिबरा ही है। मैगजीना पढ़ पढ़ के पत्नी लिबरा संबंधी पेशीनगोईयां करती है उस नाल सांझियां करती है पर प्रत्युत्तर विच लेखक उस सब कुछ नूं सुन के सिर्फ हस छड़दा है। उस दे इस हासे विच विचला व्यंग सहजे ही उजागर हो जाता है और ये व्यंग जड़ा सिर्फ मतलब कि व्यंग नहीं मैं इनू कहूँगा कि इनर आयरनी जड़ी है इन कहानियां दे विच नज़र आती है। कहानी व्यंग तो एक होंदा एक किसी एक शब्द नाल एक किसी एक सिचुएशन दे नाल पेश कर देना एक पर इनर आयरनी जड़ी होंदी है वह पूरी बनतर दे विच समाई होंदी है इन कहानियां दे विच जड़ी है वह इनर आयरनी जड़ी है वह वेखण नूं मिलती है जिदे बारे मेरे तो पहले बहुत काफ़ी गल्लां होईयां ने। हाँ क्योंकि उसके हासे विचला व्यंग सहजे ही उजागर हो जाता है क्योंकि उसका निश्चय तो जेनेटिक्स के उन्हां सिद्धांतों विच पक्का है जिन्हां अनुसार मनुख के उपर उसके मापियां के संस्कारां का प्रभाव प्रतक हुंदा है।
नाउ ही टॉक्स अबाउट दी संस्कार, संस्कारां दी गल करेगा। संस्कार शब्द बार बार रिपीट होंदा इस सवैजीवनी दे विच। हुण अपनी गल नूं पेश करन दे लई ओह कहिंदे ने कोट, उत्पत्ति विज्ञान दा सिद्धांत है कि मापिआं दे संस्कार उहनां दे जीवाणु अंशां जीन्स दा अनिखणवां भाग बन जांदे हन, मगरों ये जीवाणु अंश बच्चियां विच प्रफुल्लित हुंदे हन। मेरा निश्चा इस सिद्धांत विच है। वो जेनेटिक्स की गल कर रहे, ही इज टाकिंग अबाउट द जेनेटिक्स। वो जेनेटिक्स का जो सारा सिद्धांत है वह कहता मेरा विश्वास जो ये है। भावें एस्ट्रोमोलॉजी भी एक विज्ञान है ते जेनेटिक्स भी, पर उसका विश्वास तो जेनेटिक्स के सिद्धांतों में ही पक्का है। इं उसका दृढ़ विश्वास है कि उसके बच्चे के जन्म समय मापियां के संस्कारां का असर बच्चे की मानसिक बनतर उपर प्रतख रूप में पैंदा है। इस विचार की पुष्टि लई महिंदर सिंह सरना का स्पष्ट बयान है कोट, बहुत सारे लोग तो बच्चे के भविष्य उत्ते ग्रहों का असर भी मनते हैं ते जन्म कुंडलियां बनाते हैं। मैं उन्हां विच्चों नहीं। बच्चे के जन्म समय मंगल, शनि, शुक्र, बृहस्पति जां कोई होर ग्रह केड़े टिकाने ते सन, चंद्रमा अते रवि केड़ी राशि विच सन, इन्हां गल्लां दा बच्चे की तकदीर नाल कोई संबंध नहीं हो सकता। पर यह गल मैं दृढ़ता जां कट्टरता नाल नहीं आख सकता। कुदरत दे अणगिणत मरम मनुखी समझ तो परेडे हन। किन्ना कुछ अदृष्ट मान है, किन्ना कुछ अणगोलिया है, अणसमझिया है कि किसी भी सिद्धांत बारे कट्टरपंथी होना मेरे विचार विच बचपना है, अनकोट। महिंदर सिंह सरना दे इस कथन तो जाहिर है कि मनुखा जिंदगी प्रति उसका नज़रिया विज्ञानक रहा है, भाव वहमां भरमां ते अंधविश्वासों तो पूरी तरह मुक्त। पर परंपरा का प्रभाव उस उपर इस कदर है कि वह अपनी गल नूं पूरी बेबाकी ते दृढ़ता नाल कहण तो झिझकता विखाई नहीं दिंदा। खैर उसका यह कहना दुरुस्त है कि कुदरत दे अणगिणत मर्म मनुखी समझ तो परेडे हन। किन्ना कुछ अदृष्ट मान है, किन्ना कुछ अणगोलिया असमझिया है को अनकोट। इसीलिए किसी सिद्धांत बारे कट्टरपंथी वाला रवैया अपनाउण वह बचपना करार देंदे हन। इतों ही संतुलित उन्हां दी संतुलित दृष्टि का दीदार हुंदा है। अपनी इस साहित्यक सवै जीवनी विच महिंदर सिंह सरना ने अवचेतन शब्द की वरतों कई वेरां कीती है। जाहिर है कि वह सिगमंड फ्रायड, कार्ल जुंग, एडलर या कलाकां जिहे प्रसिद्ध मनोविज्ञानियां द्वारा विकसित किए गए अवचेतन के संकल्प तो पली प्रकार वाकफ हैं। हुण ये जरा अनकॉन्शियस का माइंड है कि किवें अनकॉन्शियस क्रिएट होंदा है, किवें अनकॉन्शियस जरा सिरजा जाता है, किवें स्थितियां जड़ियां ने एक संस्कारां का प्रभाव हैगा, एक कंटेंपरेरी जड़ियां सिचुएशनस ने उन्हां दा सोशो पोलिटिकल जड़ियां सिचुएशनस ने उन्हां दे प्रभाव ने, और इन सारे दे विच्चों इस तवाजन विच्चों किवें उन्हां दा अनकॉन्शियस जड़ा वो सिरजा जांदा है। तो इहदे पिछे सारा जड़ा इथोस जड़ा पिया होया सिगमंड फ्रायड दा, कार्ल जुंग दा, एडलर या कलाकां, ये सारे संसार प्रसिद्ध जड़े मनोविज्ञानी होए ने उन्हां दा, जिहदे बारे मैं गल्लां कीतियां ने। मैं मोटी गल समझा गल कर देना कि देखो सिगमंड फ्रायड जड़ा उसने माइंड के तीन भाग किए, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। दैन उस तो बाद जड़ा अनकॉन्शियस जड़ा परसनल है, जड़ा कार्ल जुंग दा स्टूडेंट सीगा जिसने आके उसने कहा कि नहीं ये बाकी तो गल्लां ठीक ने सिगमंड फ्रायड दियां, पर यह गल जड़ी है कि ये उसने आर्कीटाइपल सिद्धांत दिता, थ्योरी ऑफ आर्कीटाइप्स, तो उसने कहा नहीं ये जड़ा अनकॉन्शियस है इट्स ए कलैक्टिव, ए रैशियल अनकॉन्शियस है, इट्स ए कलैक्टिव अनकॉन्शियस। उसने उसका मिस्टिफिकेशन जी है वह कर दी अनकॉन्शियस की। दैन अगों चल के क्लॉड लेवी स्ट्रॉस आंदा है, वह शब्द हैगा टैबुला रसा, ही यूज दिस वर्ड, वो मिथ एंड मीनिंग किताब हैगी है, वर्ड यूज़ करता है टैबुला रसा। टैबुला रसा मीन
जदों एक दरिया होंदा दरिया का पानी एक बार लंघ जाता फिर दूसरी बार तीसरी बार जो पानी लंघ जाता थले जिग जैग छड़ जाता कहिंदे अनकॉन्शियस माइंड जिहड़ा है वह इट्स लाइक जिग जैग और साडे तो पहले कितने पूर्व जा चुके ने उन्हां दे संस्कार भी साडे अंदर पे होंदे ने। हुण तुसीं देखो कि महिंदर सिंह सरना जिहड़ा वह कित्थे तक सारी उहदी रेंज कित्थे देखे उस सारे बंदे दी वह रेंज जिहड़ी उह सारी नूं उसनूं बणाउंदा है कि किस तरीके नाल अनकॉन्शियस माइंड इज स्ट्रक्चर्ड लाइक लैंग्वेज ए भाषा वांग एक स्ट्रक्चर्ड जिहड़ा है वह अपने साडे सामने फिनोमेना जिहड़ा वह पेश करदा है। सो इत्थे ही बस नहीं वह संसार प्रसिद्ध मानव विज्ञान संचनात्मक मानव विज्ञानिक स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है क्लॉड लेविस्ट्रास दा टेबला रसा संकल्प तो भी परिचित नज़र आता है। महिंदर सिंह सरना की इस लिखत तो यह भी स्पष्ट हुंदा है कि उसके अवचेतन नूं करन विच उसके मापिया वालों मिले संस्कारां दे नाल नाल गुरद्वारा सुधार लहर 1947 की होई हिंद पाक वंड के इर्द गिर्द वापरियां अणसुखावियां घटनावां आदि की भी अहम भूमिका रही है। इस विचार की पुष्टि उसके इन्हां स्वै कथनां तो सहज ही हो जाती है। कोट घर विच परिवार विच पिता जी दे संस्कारां सदका सिक्खी दी रंगण संघणी सी। मैं अगे छड़ रहा तो छोटी गल करके जिंदगी अपनी खराद उत्ते साडे नक्श अपनी मर्जी अनुसार घड़ती है। उन्हां दी लैंग्वेज देखो भाई किस तरीके दे नाल वह कह रहे हैं कि जिंदगी अपने खराद उत्ते साडे नक्श अपनी मर्जी अनुसार घड़ती है। खैर वो सारा गलबात करके उस तो बाद कहिंदे पंडित जवाहर लाल नहरू गिडवानी अते संता नाम भी गिरफ़्तार होए वो सारी सुधार लहर जी वो हाँ गुरुद्वारा सुधार लहर दियाँ घटनावां पिता जी की चेतना विच लट लट बलदियाँ सन। 1922 विच ही पिता जी का विआह होया डोल्यों उतरदियाँ ही मेरी माँ भी गुरुद्वारा सुधार लहर दे रंग विच रंगी गई अनकोट। इहदा मतलब कि वह जरा सारा अनकॉन्शियस माइंड जिहड़ा है वह किवें उहदा बन रहा है किवें उहदा अनकॉन्शियस माइंड सिरजिया जा रहा है। एक पासे वो जड़ियाँ संस्कार भी है जेड़े संस्कार जड़े ने वो पिछे पूरा इथॉस जड़ा वो पिया हुआ है सारा जड़ा इनकलूसिव है जड़ा एक कोहेसिव है उदे च हारमोनी है वो सारे इथॉस नू नाल लैके चल रहे ने ते नाल नाल वो सारियां अपनियां प्रेरणा स्रोत जड़े ने उन्हां घटनावां नू भी जड़ा वो बना रहे ने। महिंदर सिंह सरना दे जन्म ते बचपन बारे बहुतियां गल्लां उसदे पिता ने सरदार भगवान सिंह उन्होंने नाल सांझियां कीतियां हुई सन। मापिया वालों मिले संस्कारां दे नाल नाल बाहरी तौर पर पैण वाले सकारात्मक ते नकारात्मक प्रभावां अते उस सब कुछ चों घड़े गए उसकी शख्सियत ते नक्शा बाबत इत्थे उसने कई संकल्पशील टिप्पणियां कीतियां हन। पंजाबी भाषा नूं सीखण अते पंजाबी भाषा नूं पढ़न लिखण बारे भी उसने निठ के चर्चा की है। इस सब कुछ विचों उस दे साहित्यक बिंब दियाँ भिन्न भिन्न परतां उजागर हुंदियां हन। मैं छड़ रहा यह सारियां कोटेशंस आखिरी दो पेज पढ़ रहा अते अजिहियां होर बहुत सारियां टिप्पणियां इत्थे वेखण नूं आम मिलदियां हन। इन्हां टिप्पणियां राहीं लेखक अपनी साहित सिरजन प्रक्रिया इहदी साहित्यक जिहड़ी सिरजणी है उसदे मूल प्रेरणा स्रोत पात्रां दी काढ़त घटनावां नूं वास्तविकता चों लैण दे लैण ते कल्पण पटवारी उपभाषा दा दी इक जुगत वजों वरतों करन मानवादी आदर्शां नूं सिरजण आदि नाल साडी जाण पछाण कराउंदा है। इंज इक साहित्यक सवै जीवनी दा मकसद पूरा हुंदा नज़र आउंदा है। साहित सिरजणा दा कारज इत्थे हमेशा केंद्र विच रहिंदा है। इस नाल महिंदर सिंह सरना दा साहित सिरजन कला संबंधी नज़रिया भी स्पष्ट हो जाता है अते उस दी साहित सिरजन प्रक्रिया नूं समझण विच सानू लोड़ींदी मदद मिलती है। इंज लगता है जिवें महिंदर सिंह सरना नूं अचेते सुचेते इस गल दा इलम है कि प्रमाणिक गलपी किरतां दा प्रबंध मूल रूप विच बहुपद्रा हुंदा है। एह गल बड़ी कमाल दी इनसाइट है
जिहड़ी गल जिहड़ी साडे आम तौर पर क्रिटिक दे भी पकड़ विच नहीं आती, वह कहिंदा कि जिहड़ी प्रमाणिक ऑथेंटिक जिहड़ियां फिक्शन जिहड़ियां राइटिंग्स हैगियां ने उन्हां दा जिहड़ा प्रबंध हुंदा वह बहुत पदरा हुंदा है। असीं उपर उपर दीआं गल्लां कर दिंदे हां सारियां, पर जिहड़ी उहदी डेप्थ है उस दे विच नहीं जांदे। वह कहिंदा कि अचेते सुचेते इस गल का इलम है कि प्रमाणिक किरतां का प्रबंध मूल रूप में बहु पदरा हुंदा है। उसकी पहली पदर वास्तविकता की हुंदी है, दूजी पदर लोकयानकता जा आंचलिकता की जिहड़ी सारे पटवारी इहदे च हैगा, तीजी पदर इस सब कुछ नूं गलपी सार्थकता देण दी हुंदी है। ये इस गल दे उपर वह पूरा उतरदे ने, मतलब ये इनसाइट जिहड़ी है वह उन्हां दी इस लेखनी दे विचों उभर के जिहड़ी है वह सामने आउंदी है। इउं वह अपने परंपरक पटवारी भाईचारे नूं गलपी प्रवचनां विच टाल सकण वाला पंजाबी दा इक कदावर गल्प सिरजक हो निबड़दा है। बस खत्म करें। खास करके उसने हिंद पाक वंड दे दौरान वापरियां अणसुखावियां अणमनुखी अते अणसुखावियां कतलोगारत अग्निजनी लुट खसुट आदि दीआं वारदातां दे दिल चीरवें अते दिल विनवें विच बिरतांत सिरजे हन। इन्हां बिरतांतां दा सही विश्लेषण होना अजे बाकी है। मैं एक लास्ट पैरा पढ़ के इहदी गल खत्म कर रहा अपनी। ये अगे वो सारी गल की है वो चमकौर उन्हों के जड़े सारे चमकौर साका जिनकिया पौंटा साहेब अब जूजन कुदाओ उन्होंने जोड़े महाकाव ने उन्हों की भी गलबात की सारी। मिंदर सिंह सरना के सपुत्र सरदार नवतेज सिंह सरना ने उस दियां हिंद पाक वंड दियां नाल संबंधित कहानियां अंग्रेजी विच अनुवाद करके उन्हों का नाम रखा सैवेज हारवेस्ट सिरलेख हेठ प्रकाशित करवाया। उसका यह उदम सलाहण योग है, एक सच्ची सुची श्रद्धांजलि है। हथरे लेख की शुरुआत विच असी मिंदर सिंह सरना नू एक दृष्टि संपन्न लेखक कहा है। उसकी दृष्टि संपन्नता इस गल विच भी है कि वह भिन्न भिन्न साहित्यक जुगतों की मदद नाल प्रदत्त वास्तविकता नू गलपी सार्थकता सिग्निफिकेंस फिक्शन जिहड़ी सिग्निफिकेंस देने विच माहिर है। उसनू इस गल का बखूबी इलम है कि गल्प ये फिक्शन निरोल कल्पित गपशप नहीं होंगी। यह नहीं कि भाई गपशप मार ली तो ये भी फिक्शन हैगी, नो ही नोस। भाषाई सगों भाषाई तौर पर पुनर आरोपित संकल्पना है जिसनों इंग्लिश कहने लिंग्विस्टिकली री इंपोज कंसैप्चुअलाइजेशन इज फिक्शन। एक गल जिहड़ी है उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड च पई हुई है, जिहड़ी गल जिहड़ी उभर के बाहर आ रही सारे। इस दृष्टि तो महेंद्र सिंह सरना दियां बहुतियां साहित्यक किरतां प्रतीक दी पद्धर ते पुजियां हुई साफ नज़र आंदियां हन। उसका अपना कहना है गोरा सार्जेंट ना केवल एक प्रतीकात्मक कहानी है सगों एबसर्ड, ईवन एबसर्ड जिहड़ा चिंतन हैगा वह भी इन्हां दी पकड़ दे विच है। पूरा एबसर्ड ऊटपटांग रचना का एक प्रयोग भी है। एबसर्ड जिहड़ा है वह सिर्फ यह नहीं है कि भाई ऊटपटांग गल्लां कर चलो तो दैट इज़ एबसर्ड। एबसर्ड जिहड़ा है जिन्होंने पदार्थ नूं जीविया होया उस पदार्थ नूं जीण तो बाद जिहड़ी स्थिति है वह मीनिंगलैसनैस की जिहड़ी स्थिति है उसकी गल करके। सो जाहिर है कि इन्हां पंक्तियां के लेखक नूं एबसर्ड चिंतन का भरोसेयोग इलम है। उसनू इस गल का भी बाखूबी ज्ञान है कि किसी वास्तविकता नूं गलपी सार्थकता देने लई उसनू कल्पना की पान चढ़ाउणी पैंदी है। प्रतीक की पद्धर ते पुजी हुई रचना ही गलपी सार्थकता की लिखाई हुंदी है। इस विचार नूं समझाउण लई असी यक लाकां दा RIS फार्मूला सानूं काफ़ी सहायक साबित हुंदा है। पंजाबी विच इस नूं वास्तविकता कल्पना ते प्रतीक मैं इस गल बल गल के खत्म कर रहा हाँ कि यक लाकां दा एक फार्मूला हैगा RIS रियलिटी R फॉर रियलिटी I फॉर इमेजिनेशन ते R फॉर इमेजिनेशन ते P फॉर सिंबल प्रतीक। कि कोई भी रचना जिहड़ी है इंसान जदों भी कोई रचना करता है उसके सामने की होंदा रियलिटी पई होंदी है। उस रियलिटी तो चल के फिर वह अपनी इमेजिनेशन में जाता है, जदों वह अपनी इमेजिनेशन दे विच जाता है तो फिर वह सारा उसका थॉट प्रोसेस जड़े ने वो सारे खुल जाते हैं। दैन उहदे विचों फिर अपनी फिक्शन करता है। खाली ये नहीं कि कंटैम्परेरी गल्लां ने जिहड़ी गल सेखों साहब समझा रहे थे ना गल कि बड़ी
ये पिछे पूरा जरा थॉट जरा मैडम इन्होंने भी गल की तनमंत होर ने भी गल की कि वो थॉट प्रोसेस जोड़े ने वह भी उन्होंने सारे जोड़े ने शामिल हो जाते हैं जो इमेजिनेशन फिर अखीर तो लिया के उन्होंने सिंबल की पद्धर से लिया के गल कहनी ये अपने आप बड़ी वीडी है इस करके मैं इसन एक दृष्टि संपन्न दस्तावेज किया थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच ती बहुत सारे पक्ष लिया की सामने कोशिश की आ पर मैं इदा लगता भी थोड़े को ज्ञान ज़्यादा सी पढ़िया बहुत ज़्यादा है पर संखेपता ध्यान च रख के तुम कई गल् नहीं कर सके फिर कित मौका मिले तो आप कर सकते हैं तो मैं ये ना दो गल् सिर्फ स्वै जीवनी के अद्धा कपैरा पढ़ के सुना भी वो कि सोचते सके इन गलों बारे जो मेन गल जी आप संताली की वंड बारे ज परिवार के इधर आने बारे वो तुहाडे नाल सांझी करनी चाहुंदा जिहड़ी उन्होंने खुद लिखी है। मार्च 47 रावलपिंडी डिवीजन के पिंडां विच जो होया सुन के पढ़ के अंदर भांबड़ मचदे सन। कहिंदे सन मुस्लिम लीग ने यह केवल अजे ट्रेलर दिखाया है उस नादरशाही का जो सारे देश विच मचाउणगे जो उन्होंने पाकिस्तान जे उन्होंने पाकिस्तान ना दिता गया। ये कार्य करने वाले कुछ लुट दे हिरसाए गुंडे ते कुछ दीन दे नां ते बरगलाए पिंडां दे अनपढ़ मुसलमान सन। दीन दी उन्होंने कोई लम्मी समझ नहीं सी। ये गल भी समझण वाली आ भी असीं मजहब नूं किन्ना क समझदे आ भई मनुखता दा जिहड़ा आ उह संकल्प आ जां मानस की जां सभिक पहचान आ उह किद्दां पिछे रह गया तो असी मजहबा के नाते की कुछ किया जिन्होंने हज करने वाले पाकबाज ते परहेजगार निजामी मुसलमान घरी लोग बैठे सन जिहड़ा कोई उन्हां विचों कुसकण दा साहस करता अपनी पत्त लुहा बहिंदा ये विच विच जिहड़े आ मजहब की बागडोर बदमाशा ते मनुखता के दुश्मन हाथ आ गई। ये गल्लां जिहड़ियां विचारन वालियां साढ़े बहुत ध्यान की मंग करदियां ते हुण मैं इहनां दे नाल ही डॉक्टर मनजिंदर सिंह जिहड़े गुरु नानक देव जी यूनिवर्सिटी अमृतसर तो आए आ उन्होंने बेनती करदा कि वो अपना पेपर पेश कर उत्थे लिखा मैं बहुत कुछ है पर हुण मैं पढ़ना नहीं आ वो डायरी उत्थे ही रख दिती है। तो इन दा जिहड़ा काम आ भाषा विज्ञान ते आ इन्हां दी किताब जिहड़ी आ वह हमेशा साढ़े सारयां दे सामने आ भाषा विज्ञान बारे ही आ किताब इन्हां दा ते अजकल गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के पंजाबी विभाग में मुखी है। आओ मनजिंदर सिंह जी तो मैं अज गल करनी है महेंद्र सिंह सरना जी दे साहित दा कोई भाषाई मॉडल जिहड़ा बनता वह की हो सकता है क्योंकि जिहड़े कल तो गल चल रही है मैं सुन रहा लगातार तो हर पेपर रीडर ने उन्हां दी भाषा बारे जरूर गल कीती। इहदा मतलब यह है कि महेंद्र सिंह सरना जी की भाषा दे विच कोई खास गल आ जिहड़ी ना केवल सानू आम भाषा च नज़र नहीं आउंदी बल्कि सानू पंजाबी साहित दे होर साहित्यकारां दे विच वी उहो जिहा चमत्कार नज़र नहीं आउंदा जिहड़ा सरना जी कोल आ। उह सानू स्पैशली साडा ध्यान अट्रैक्ट कर लैंदी उन्हां दी भाषा। मैनू प्रोफेसर हरजीत सिंह गिल जी का एक कथन याद आ रहा एक बार वो एक सैमीनार की प्रधानगी कर रहे सी ते पंजाबी दे एक नावलकार बारे वो सैमीनार सीगा मैं उन्हां दा नां नहीं लैणा जदों डॉक्टर गिल का समा आया बोलण दा उन्होंने कहा कि मैं इस बंदे दे दो नावल पढ़े आ उन्हां दोनों नावलों दे विच्चों एक भी लाइन लिटरेचर नहीं। मैं हुण इहदे बारे कहना चाहूँगा कि महेंद्र सिंह सरना जी दीआं जिहड़ियां रचनावां ने उहदे च एक भी लाइन इहो जी नहीं जिहड़ी लिटरेचर ना होवे। उहनां दी हर लाइन लिटरेचर आ तुहानूं हर लाइन जिहड़ी आ उह रुकण लई मजबूर करूगी। हुण गल इह है कि किहड़ा उह तत् है जिहड़ा हर लाइन नूं लिटरेचर बना दिंदा उह किहड़ा एलीमेंट है। भारतीय काव्य शास्त्री इस तत् की खोज जो करते कहते हैं कि काव्य की आत्मा आ यह साहित्य की आत्मा है इस करके भारतीय काव्य शास्त्री काव्य की आत्मा की तलाश करते करते
उन्होंने छे संप्रदाय जिहड़े लिटरेचर दे पैदा करते, जे च उन्होंने किसी ने कहा रस है, किसी ने कहा अलंकार है। उन्हां चों एक विद्वान है जिहदा नाम आनंद वर्धन, उन्हें उहदी भाषा ते कंसनट्रेट किया कावदी ते। आनंद वर्धन ने उन्हां दा जिहड़ा ग्रंथ है उहदा नाम है ध्वनिया लोक, पंजाबी यूनिवर्सिटी ने छापिया उहदा पंजाबी अनुवाद, सी डी शास्त्री जी ने पंजाबी ट्रांसलेशन किया। उहदे विच आनंद वर्धन ने दस्सिया कि साहित दे विच एक धुनी हुंदी आ, एक रेजोनेंस हुंदी आ उहदी लैंग्वेज, वह रेजोनेंस असल दे विच उहनूं लिटरेचर बणाउंदी आ। वह रेजोनेंस जिहड़ी आ उह शब्दां च नहीं नज़र आउंदी, वह शब्दां दे आर पार लुकी हुंदी आ, वह हिडन हुंदी आ। उन्होंने कहा उहदी उन्होंने एनालॉजी इह दित्ती, वह कहिंदे कि जिवें अनेक तरह के गहिणियां दे नाल सजियां होण दे बावजूद भी कुलीन इस्त्रियां दा असल गहना उन्हां दी लज्जिया हुंदी है, उवें लिटरेचर जिहड़ा उह भावें अनेक तरह के अलंकार उहदे च होण, खूबसूरत शब्द होण, पर फिर भी उहदा जिहड़ा असल गहना आ लिटरेचर की भाषा का उहदी धुनी हुंदी है, उहदी रेजोनेंस हुंदी। सो इस करके इहदा मतलब यह है कि जदों असीं साहित की भाषा नूं समझणा, उहदे आर पार जिहड़ी व्यापक उह रेजोनेंस आ उहनूं पछाणना है। इहदे बारे कबीर साहब ने भी कहा कि जिहड़ी भाषा है केवल बोल रूप नहीं हुंदी, भाषा का वड्डा हिस्सा जिहड़ा अबोल हुंदा। उन्होंने बावन अखरी च कहा जहाँ बोल तह अक्षर आवा, जह अबोल तह मन ना रहावा, बोल अबोल मद है सोई, जस वो है तस लखे ना कोई। ये बोल ते अबोल दी डायलैक्टिक्स दे विच लिटरेचर दी भाषा जिहड़ी हुंदी। हुण जिहड़ा मनुख आ ये केवल जीव विज्ञानक वजूद नहीं है, जीव विज्ञानक होण दे पार इहदा एक इमोशनल सैल्फ हुंदा, एक इहदा सोशो कल्चरल सैल्फ हुंदा है। मनुख दा ये जिहड़ा अस्तित्व है ये भाषा राहीं एक्सप्रैस हुंदा। सो महेंद्र सिंह सरना जी दे साहित दी भाषा विच प्रवाहित जिहड़ी मनुख दी अस्तित्वी युगता, जिहड़ा उहदा एग्जिस्टेंशियल स्ट्रक्चर आ, उहनूं समझण दे लई जिहड़ी आ उहनां दी एक जिहड़ी नवेकली भाषा आ उहदे डिस्कोर्स दी जिहड़ी युगत आ उहनूं समझणा जरूरी आ, उहदे प्रवचन दी एक युगत आ। इहदे बारे दो तरीकिआं नाल गल हो सकदी आ। आम तौर पर की हुंदा कि असी जदों किसी साहित्यकार दीआं रचनावां नूं स्टडी करना, साडे कोल सिद्धांत हुंदे आ साहित दे, भाषा विज्ञान दे, असी उहनां नूं उहदे ते अपलाई करना शुरू कर दिंदे आ। इह वी इक मैथड हो सकदा, पर मैं समझदा कि एक दूसरा मैथड इह आ कि तुसीं उस रचना दी टैक्सट दे विचों गुजरो, उहदी टैक्सचुअल स्टडी दे विचों उहदा विदन एक अपना मॉडल हुंदा, उहनूं वी पछाणिया जा सकदा। मैं सरना जी दी भाषा दा जिहड़ा मॉडल है उहदे उत्ते कोई बाहरी मॉडल अपलाई करन दी बजाए उहनां दी रचना दे विचों गुजर के जिहड़ा एक उहनां दा अपना क्रिएटिव मॉडल है लैंग्वेज दा, उहनूं समझण दी कोशिश जिहड़ी है उह करांगा। सो जिहड़ी लिटरेचर दी भाषा आ, पहली गल ते इह केवल धुनियां वाकां दा कोई व्याकरणक इकट्ठ नहीं गा। देखो ग्रामर तां भाषा दी सेम हुंदी आ। मैं सरना जी दी भाषा ते एक दो लेख पढ़े जिहड़े पहलां लिखे गए आ, वह कहिंदे जी इन्हां दी भाषा ग्रामैटिकली बड़ी करैक्ट आ, ये वा इन्ने उपवाक रख देंदे आ, ये दिस इज़ नॉट द स्टडी ऑफ द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। क्योंकि जिहड़ी भाषा दी व्याकरण आ ये भाषा दी लैंग हुंदी आ। ये सोस्यूर ने कहा भाषा दे दो आस्पैक्ट हुंदे, एक उहदी लैंग हुंदी आ, एक उहदी पारोल हुंदी आ। व्याकरणक नियमां दी उलंघना असीं नहीं कर सकदे, ये कलैक्टिव हुंदे आ ग्रामर दे नियम, पर जिहड़ी उहदे विच व्यक्ति दी विलक्खणता दिसदी आ उह उहदी पारोल च दिसदी आ, उही उहदे विचों लिटरेचर दी जां साहित्यकार दी भाषा दे वक्खरे पछाण चिन्ह पए हुंदे आ। जिवें इहनूं इस एग्जाम्पल नाल समझ सकदे आ कि जिवें बच्चे जदों तुरना सिखदे आ, सारे बच्चे इक्को तरह तुरना सिखदे आ, पर ज्यों ज्यों बच्चा वड्डा हुंदा हर बंदे दी तौर वक्खरी होणी शुरू हो जाती है। तुसीं किसे बंदे नूं पिछों देख के उहदी तौर तों पछाण सकदे आ, वह डिफरेंटली मूव करेगा। इस करके हर बंदे दी एक कलैक्टिव होंद हुंदी है, पर उहदे बावजूद उहदी एक खास एग्जिस्टेंशियल एक्सपीरियंस दे विचों उहदी डिफरेंट आइडेंटिटी बनती है, और इहदे विचों साहित दी भाषा नूं पछाणिया जा सकता है। फिलोसफी दे विच इहनूं इवें कहिंदे कि जिवें प्लैटो इज़ ए मैन बट ऑल मैन आर नॉट प्लैटो। सुरजीत पात्र पंजाबी च लिखदे आ पर सारे पंजाबी सुरजीत पात्र नहीं हन, इवें सरना जी ने पंजाबी च लिखिया पर सारी पंजाबी सरना जी की पंजाबी वर्गी नहीं है, उहदे च कोई खास गल आ। हुण उहदी असल पछाण कित्थे आ, उह पछाण इत्थे आ कि जिवें तुसीं देखो कि म्यूजिक दे विच सत सुर हुंदे आ,
ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਗ ਦੇ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟ ਸੁਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਇਹ ਸੁਰ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਂ ਧੁਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੁਆਇਸ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਥੈਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪਾਪੂਲਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਹੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀਆਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਗਾਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਵਲ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਮੈਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਹਾਈਲੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਆ। ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਅੱਧੋ ਰਾਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਈਲੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਆਈ ਟੇਕ ਦਿਸ ਵੂਮਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਾਫੋਰੀਕਲ ਉਹਦੀ ਸੀਗੀ ਇੰਬਿਗੁਇਟੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਠੀਕ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਧਰ ਦਾ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮੈਟਾਫੋਰੀਕਲੀ ਜੁਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਏ ਦਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਡਾਇਲੈਕਟਿਕਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਨਸ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਮਿਲ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਆ। ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵੀ ਤੌਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਸੂਲੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਉਹ ਦੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਬੰਬ ਨੂੰ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵਾਕੰਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਨਮੋ ਰੋਗ ਰੋਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਡਾ ਰੋਗ ਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਨੂੰ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦੇਵੇਗੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਨਫੀਓਂ ਸੇ ਬਨਤੀ ਹੈ ਨਿਸਬਤੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਘੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੇਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕੰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਉਹ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜਾਤ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਗੁਲਾਬੀ ਪੱਗ ਸਿਹਰਾ ਸਮੇਤ ਉਹ ਜਾ ਪਈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਗੰਜੀ ਟਿੰਡ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਿੰਡ ਦਾ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਆਸ਼ਕ ਦੀ ਤੋਰ ਤੁਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਆਸ਼ਕ ਦੀ ਤੋਰ ਤੁਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੁਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਜਾ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੂਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੱਢੀ, ਸੂਦ ਮਤਲਬ ਵਿਆਜ,
ਵੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਸੂਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੱਢਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਢਾਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਢਾਰਾ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਿੱਜੀ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਨਿੱਘ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਭਿੱਜੀ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਨਿੱਘ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਆ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸਿਰਜਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਨਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਲੇਖਕ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਜਿਉਂਦਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਮੈਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰ ਫੈਲੀ ਚੇਤਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹਕ ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਡਾਇਲੈਕਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੁਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮਾੜਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇੰਝ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ, ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੰਗਿਆਈ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਿਆਈ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਇਕੱਠੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਔਰਤ ਕਿ ਇਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਦੋਹਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਥੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਆ ਪੀੜਾ ਮੱਲੇ ਰਾਹ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਂਝ ਬੜੀ ਨੈਸ਼ ਆ, ਬੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨਾਇਕਾ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਆ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਊੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬੜੀ ਨੈਸ਼ ਦਿਸਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਨਕਸ਼ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਰਸ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਉੱਗੜ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ ਅਤੇ ਤਿਊੜੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਸ ਅਤੇ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਵਾਕ 'ਚ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਣੇ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਲੱਛੂ ਆ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਪਰ ਉਸੇ ਘੜੀ ਲੱਛੂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਉਹ ਕਿਰਨ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੱਛੂ ਰਾਮ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਲੱਟ ਲੱਟ ਜਗ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਨਰੋਈ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੁਰਗੰਧ ਅਤੇ ਮਹਿਕ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਛੂ ਖੜ੍ਹਾ ਇਸ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਰਗੰਧ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਹਿਕ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਉਸ ਘੜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਇਕਾ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਦਵੰਧ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਤਰਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਵੀ, ਕਿ ਸਰਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਬਣਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਮੇਘਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਰਨਾ ਲੱਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸਰਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਛਪੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ।
उहदे विच टिवाणा जी उहनां दी तारीफ कर रहे हैं विरक साहब की और कहिंदे आ कि कुलवंत सिंह विरक नूं अपनी बरादरी ते बड़ा माण सी, इस करके विरक दीआं बहुतीआं कहानियां इसे बरादरी की जमीन विचों पैदा होईआं। हुण जिहड़ीआं कहानियां इक खास बरादरी की जमीन चों पैदा होंदीआं वो अपनी यूनीवर्सैलिटी किवें बणाउणगीआं, इह इक सवाल आ, इह सवाल आ ते साडे जिहड़े उह स्थापित कहानीकार ने। मैं पहला कहा भी महिंदर सिंह सरना की किसी कहानी चो तुसी शब्द नहीं लभ सकते जिहड़ा कदी किसी नूं ठेस पहुँचा जूगा। तो इस तरह कल डॉक्टर मनमोहन जी ने गल की सी अपने ये शब्द ने कि जिहड़े शब्द आ जिवें कहिंदे ना भी फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, है जी, ये ऐसी गल नहीं, शब्द जिहड़े उह तुहाडे जिगर नूं कट देणगे, इन्ने इह पावरफुल शब्द होंदे आ। सेखों साहब ने कहा सी कि पंजाब जिस नावल दे विच जट ते कणक दी गल ना होवे उह नावल ही नहीं हो सकता, और उन्होंने मड़ी दा दीवा नावल ते उन्हां दा कमेंट है, तुसीं देखो। तां तुसीं इन्हां दे सरना जी दीआं रचनावां पढ़ो, उहदे विच तुहानूं कोई इस किस्म दा बायस, कोई इस किस्म दी प्रॉब्लम जिहड़ी आ उह दिसूगी नहीं। मेरे ख्याल च सरना जी दा लिटरेचर जिहड़ा ना उह पंजाबी साहित दे लई इक भाशाई मॉडल आ कि जे लैंगुएज ऑफ लिटरेचर देखनी है तो इस तरह की होंगी है लैंगुएज ऑफ लिटरेचर, वो नहीं होंगी जिहदे विच इस तरह दी गल्लां होण भी आ ना होया तो फिर लिटरेचर नहीं। हालांकि मड़ी दा दीवा दे विच कणक भी हैगी है, जट भी हैगा, उहदा नायक जट नहीं है मसला ये हाँ बस बिल्कुल तुसीं ज़्यादा दुरुस्त करता, क्योंकि हुण दूसरी गल ये आ कि जिहड़ी लिटरेचर की भाषा है उदात हुंदी आ, उदात का मतलब कि उन्हें यह सारिया जिहड़ियां प्रॉब्लम्स हुंदियां नूं ट्रांसेंड किया हुंदा, उस तो पारगामी हुंदी आ। इस करके जिहड़ा लिटरेचर का डिस्कोर्स यूनीवर्सल हुंदा। हुण सरना साहब दीआं कहानियां पंजाबी च ने, कि ये पंजाबियां दीआं कहानियां ने? नहीं, ये मनुख दी कहानी आ। कल उन्होंने बड़ा खूबसूरत कहा सी माधव कौशिक जी ने कि इहदे पात्रां दे ते थावां दे नां बदल दिओ, दुनिया के किसी भी कोने दे हर बंदे दी कहानी। इहदा मतलब ये है कि लैंगुएज ऑफ लिटरेचर जिहड़ी आ उह सारियां ये फेक आइडेंटिटीज़ नूं ट्रांसेंड करके पैदा हुंदी है। इहदे बारे डॉक्टर मनजीत सिंह जी गल्लां कर रहे सीगे यक लाकां दी, मैं थोड़ी जी लाकां दी गल करनी, बहुता सिद्धांत च नहीं पैना। लाकां ने कहा कि ह्यूमन कॉन्शियसनैस ते उन्हें गल की थी, मनुखी मन दे उत्ते वो कहिंदे एक स्टेज हुंदी है जिहनूं रीयल स्टेज उन्हें कहा, जदों बंदा जन्म लैंदा वो कहिंदा दैट इज़ रीयल स्टेज, कि उदों बच्चे नूं लगदा कि आ सारा कुछ ही आला दुआला ये मैं ही हाँ, क्योंकि उन्हें अपने आप नूं देखिया नहीं हुंदा, बच्चे ने अजे अपने नूं नहीं देखिया, वो देखदा उहनूं लगदा भी ये मैं ही हाँ बस, ये एक तरह नाल यूनीवर्सल आइडेंटिटी हुंदी। फिर वो कहिंदा कि दूसरी स्टेज नूं उन्हें बड़ा मैटाफोरिकली कहा, वो कहिंदा मिरर स्टेज है, जदों बच्चा शीशे च अपने आप नूं देखदा ना दैन ही आइडेंटीफाइज कि नहीं मैं डिफरेंट है इन्हां तों, ए सारे लोग हो रहे मैं आ मैं आ। इहदे नाल की हुंदा कि मैं नूं तां पछाण लैंदा पर वो टुट जांदा जिहड़ा वो फैलिया होया सी चारे पासे। इस तों अगली स्टेज नूं उन्हां ने कहा वो सिंबोलिक स्टेज है, जिहड़ी लैंगुएज दी स्टेज है, सिंबोलिक स्टेज है कि जदों बंदा अपनियां फिर सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज़ घटदा कि मैं हुण सिख आ, मैं मुसलमान आ, मैं आ जाति है मेरी, मैं पंजाबी हाँ, मैं भारती हाँ, ये सारिया सिंबोलिक आइडेंटिटीज़ ने। वो कहता कि ये सारिया फेक आइडेंटिटीज़ होंदियां असल च, जिहड़ियां तुहाडी यूनीवर्सल आइडेंटिटी नूं रिड्यूस कर दी जांदियां। साहित्यकार की लैंगुएज की करती है कि इन्हां सारिया फेक आइडेंटिटीज़ नूं ट्रांसेंड करके मुड़ के जिहड़ी बंदे की कॉस्मोलॉजिकल आइडेंटिटी है उत्थों तक साहित्य की भाषा ने जाना हुंदा। जे उह जांदी है तो साहित्य, जे नहीं जांदी तो साहित्य नहीं है, ठीक है जी। उसो ये सफ़र उल्टा हुंदा लिटरेचर की भाषा दे विच। इसे करके जिहड़ा वड्डा लिटरेचर हुंदा उहदे च जिहड़ियां साडियां कॉमन परसैप्शनस हुंदियां उह लिटरेचर तोड़ दिंदा है। गुरु नानक साहब ने कहा दुख दारू सुख रोग पिया, बंदा हर बंदा सुख नूं चंगा समझदा, दुख उस दुख नूं रोग समझदा, गुरु नानक कहिंदे दुख दारू सुख रोग पिया। इहदा मतलब साडी जिहड़ी कॉमन परसैप्शन आ उह टुटदी आ। इहनां दा जिहड़ा नावल आ पीड़ा मल्ले राह, उह भी इही गल आ कि तुसीं जिंदगी च किसी रस्ते की चोण कर लो, हर रस्ते नूं पीड़ ने मल्लिया होएगा। ये हाईली सिंबोलिक जिहड़ा ये टाइटल है इहदा, और ये कबीर साहब तो प्रेरित है, उहदे विच उहनां ने वो बाणी दीआं पंक्तियां विच आ भी जांदियां। कबीर साहब ने कहा कि जह जह डाली पग धरों
सोई मुड़ मुड़ जाए, जिहड़ी भी टहनी ते बंदा पैर रखदा उही टहनी टुट जांदी, तां इह इह विच उहदे आ वी जांदा। हुण मैं बस संखेप च गल करनी है कि एक तां जिहड़ी इहनां दी लैंग्वेज है उहदे च पंजाब दे समूहक कल्चर दी तस्वीर उभरदी है। साढ़े जिहड़े मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहुंदा, तुसीं होर जिहड़े साडी फिक्शन आपां पढ़ीए उहदे च ना पंजाब दी कलैक्टिव इमेज नहीं उभरदी, वो एक खास वर्ग की इमेज ही बनती है उन्होंने। ये सरना साहब के कलैक्टिव जो गल कई होर रूपां पहला हो चुकी आ, कुछ क्योंकि वो देखो ना जड़े है खुदा बख्श चौधरी जड़ा जां जथेदार मुकंद सिंह हीरा मिर्ग की बरकते अली मुहम्मद की परमेशरी ये पात्र ने भी जोड़े इक्वली इंपॉर्टेंट ने, इक्वली पावरफुल पात्र ने। साडे बाकी फिक्शन दे विच एक खास वर्ग के पावरफुल पात्र घड़े जाते हैं, दूजे पात्र जिहड़े वो बहुत मार्जिनलाइज्ड ही रहणगे, वो कभी भी मुख धारा के पात्र नहीं बनते। इन्हां दे सारे पात्र जिहड़े आ वो इक्वली पावरफुल पात्र बन गए। एक होर गल कि जिदा अहमद नदीम कासमी आ, मैनूं इन्हां दी बहुत उहदे नाल सांझ लगती है कि कासमी की कहानी परमेशर सिंह जिहड़ी आ उहदे च उहदा नायक परमेशर सिंह आ, इन्हां दी कहानी का नायक जिहड़ा वह खुदा बख्श आ। ये बहुत ब्यूटीफुल जिहड़ी गल आ कि वो परमेशर सिंह जिहड़ा एक मुसलमान बच्चे नूं बचा लैंदा, वो हालां उहदे केस रख दिंदा, वह पर वह जदों वह बच्चे नूं देखदा वह कहिंदा यार वो दुनिया च सारे बच्चे इक्को जिहे हुंदे आ। ये लिटरेचर का वाक आ। इस तरह जिहड़ा खुदा बख्श आ उहनूं हिंदू ते मुसलम सिखां दीआं धीआं अपणीआं धीआं दिसदीआं, ये इन्हां दोनों दे विच इह सांझ नज़र आउंदी आ। फिर जदों खुदा बख्श फाहा लैंदा इन्हां दी कहानी दे विच, सेखों ने मेरे खले की गल की सी, वो खुदा बख्श नहीं फाहा लैंदा। जिवें मुहम्मद साहब ने कहा कि एक मनुख का कतल भी पूरी मनुखता के कतल के बराबर ही हुंदा है, वो खुदा बख्श का कतल दा फाहा लेना मनुखता का फाहा लेना एक गल है। सो बस सर आखिरी गल कि एक गल कि इन्हां दी भाषा जिहड़ी है ना उहदे विच गुरबाणी दी इंस्पीरेशन बहुत है। वह किवें कि जिहड़ा तुसीं असली वैसे इन्हां ने भाषा का कमाल दिखाया अपने नावल च, भावें कि इन्हां दी खुद कहिंदे कि मैं बेसिकली कहानीकार हाँ, पर जिहड़ी लैंगुएज का चमत्कार नावल च आ पीड़ा मल्ले राज वो कहानियां तो भी ज़्यादा आ। क्यों आ? क्योंकि उहदे विच की हुंदा कि जिहड़ी उहदे विच वो दृश्य चित्रदे आ ना, वो जिहड़ा दृश्य चित्रदे आ उही कुछ मुड़ के पात्र दे अंदर वापरना हुंदा। असल च वो लैंग्वेज नाल इन्ना ब्यूटीफुल एक जिहनूं पेंटिंग शब्द वरत्या गया, वो मुड़ के जिवें बारह माह है गुरु साहब दे उहदे विच वो कहिंदे चेत बसंत भला भवर सुहावड़े, ये किसी अगली गल दे सूचक आ। बन फूले मंझ बार मैं पिर घर बहुड़े, वो जिहड़े पिर ने घर आउणा ना वो पहला वेरवा जिहड़ा है उहदा सूचक है। इस तरह इन्हां दे दृश्य जिहड़े आ भाशाई वो अगले जड़ा। चलो मैं हुण फिर बस कर दिया आखिरी गल बस हुण कर देना सारे पेज पलटा दते मैं कि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी दे विच ना एक सीन दस्या जी कि जदों उन्हां दी भैण उन्हां नूं नवाउंदी सी ना वो कहिंदे जदों पानी मेरे शरीर ते पैंदा सी ना मेरे अंदर कहिंदे कोई विस्मादी एक्सपीरियंस शुरू हो जांदा सी। उदों उन्हां दी उम्र 2.5 साल है, कहिंदे तुसीं यकीन नहीं करोगे कि मैनूं एकदम ये मेरे मन च ख्याल आने शुरू हो जाते कि पानी की आ, ये धरती की आ, ये ब्रह्मांड की आ, ये फिलोसॉफिकल सवाल मेरे अंदर। ये वैसे प्रोफेसर पूरन सिंह ने भी लिखिया कि जिहड़ा पानी दे विचों कहिंदे जदों मैं ठंडे पानी च टुब्बी लाउणा एकदम मेरे अंदरों जपजी साहब फुट पैंदा है, ते क्योंकि वो कहिंदा इहदा पता नहीं पानी नाल की संबंध आ, तां वो कहिंदे कि मेरे अंदर ये सवाल पैदा हुंदे सी। इहदा मतलब बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव सीगे, बहुत ही संवेदनशील। उन्होंने एक बार जाते रस्ते उन्होंने एक काला नाग देख लिया, उन्होंने अपनी भैन को दसिया भी उत्थे मैं नाग देखिया, वो ग्रंथी ने आकर सप्प मार दिता। वह मुड़ के अपनी माता दे नाल किते जा रहे से, उन्होंने रस्ते लगता से भी सप्प ही सप्प टंगे हुए दरख्तों से, वो कहिंदे किसी होर नूं नज़र नहीं सी आउंदे मैनूं नज़र आउंदे सी। वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील सीगे, उही संवेदनशीलता जिहड़ी आ मुड़ के उन्हां दी भाषा च आई आ। और ये संवेदनशीलता जिहड़ी आ जिवें उहदे वो फिर इस करके उन्होंने फनीयर कहानी जिहड़ी लिखी उहदे च सप्प की भाषा जां कुत्ते दे हवांकण का भी उन्होंने पता लग जांदा। तो वो जदों कोई भी वाक लिखते सानू लगता भी इन्नी ब्यूटीफुली मतलब मेरी वेदना जिनी खूबसूरती नाल इन्होंने कही है
वह होर कोई नहीं कह सकता। तो गालिब साहब का सानू शेर चेते आ जाता, देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। धन्यवाद। बहुत ही विस्थार दे विच सरना साहब बारे की गई गलबात लई मनजिंदर होना का बहुत बहुत शुक्रिया। एक गल मैं उन्होंने पूछी सरना साहब न, भई तुसी अपनी स्वै जीवनी जिहड़ी लिखी है उहदे विच किद्दां समझदे आ तुसी अपने आप नूं, सच तो लिखिया पर किद्दां समझदे आ भई अपने आप नूं सुच्चा सच्चा बनाउण लई जां सखी सरवर समझदे आ जां की समझदे आ, तां उन्ना की तुहानूं छोटा जिहा ना चार पंज लाइनां जिहड़ियां उह मैं पढ़ के सुणाउणा। तो उन्होंने कहा सगा, मेरी साहित्यक स्वै जीवनी बलां छलां तो रहत एक सिद्ध पदरी जी लिखत आ, ये मैं केवल उन्हां घटनावां अते तत्थां दा जिक्र किया है जिन्हां ने मेरी मानसिकता अते साहित्यक अनुभव नूं खरादिया है। अपने आप नूं सखी सरबत सच्चा सुचा ते नेक इंसान स्थापित करन दा जतन मेरी साहित्यक स्वै जीवनी विच किते नहीं ते ना ही मेरे मन विच अजिहे कोई भुलेखे हन। स्वै प्रशंसा जां स्वै पब्लिसिटी मेरे सुभाव विच नहीं। जिहड़ियां साहित्यक स्वै जीवनियां मैं पढ़िया हन उन्हां दे टाकरे मेरी साहित्यक स्वै जीवनी निमाणी सिनेमर अते हलीमी नाल ओतपोत है। हाँ, ये सच है कि सुहिरदता अते उजलियां कदरां कीमतां मैनूं मेरे मापिआं कोलों विरसे विच मिलियां हन ते सारी उम्र मैं इस विरसे ते अपने वलों बड़ी चौकसी नाल पहरा दित्ता है अते मेरा यह जतन है कि जिंदगी दे किसी मोड़ ते मेरे इस कीमती विरसे नूं ढा ना लगे। ये जिहड़ियां इंसानी गल्लां उन्हां दी जिंदगी विच आईआं परिवार तों मिलियां ये बहुत वड्डियां गल्लां। ते हुण मैं अपने साथी प्रवीण जी नूं गुजारिश करदा कि वह अपना पेपर पेश करन। तुहानूं पता ही होना है कि यह पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच पिछले 10 सालों तो पढ़ाउंदे आ ते बड़ी डेप्थ नाल हरेक गल नूं विचारदे आ, सोचदे समझदे, बहुत सारे इन्हां दे पेपर भी छपदे रहिंदे आ, किताबां भी हैगियां। आओ जी, महिंदर सिंह सरना दे महाकाव्य दी जदों गल करदे आ ते मेरे लिए पहला सवाल यह बनिया सी कि जिहड़ा इंडस्ट्रियल वर्ल्ड जदों उद्योगीकरण शुरू हुंदा आ ते उहदे तो बाद जिहड़े महाकाव्य ने इह किस रूप दे विच होण चाहुंदे ने, क्योंकि जिहड़ा एपिक आ महाकाव्य जिहड़ा आ उह जिहड़े साडे पंजाबी दे क्रिटिक पहलों इह गल कर चुके ने कि उहदे च वी इक नैरेटिव जिहड़ा आ उह चलदा आ जिवें नावल दे विच चलदा। हुण मैं महिंदर सिंह सरना बारे सोच रहा सी कि इन्हां दा, क्योंकि इन्हां ने नावल भी लिखे हुए सी ते नावल तो बाद एपक वल नूं जिहड़ी बिरती दा परतना जिहड़ा उहदे पिछे किहड़े कारण पए ने, फिर क्योंकि नावल जिहड़ा साडे कोल मॉडर्न पीरियड दे विच आउंदा साडे पंजाबी च जिहदा कि असीं अजे तक तर्जमा नहीं कर सके पंजाबी दे विच, असीं एज़ इट इज़ लिया, उहदे कई कारण ने। नावल दे विच जिहड़ी गल मनजिंदर ने कीती कि वह जदों 2.5 साल दे पाणी पैंदा सी ते उहदी जिहड़ी विसमादी अवस्था सी उह ट्यून हुंदी सी उदों। हुण जदों कोई राइटर इत्थे राइटर क्रिएटिव राइटर बैठे ने, माधोपुरी जी बैठे ने, डॉक्टर मनमोहन बैठे ने, होर भी इत्थे राइटर बैठे ने, नसराली साहब बैठे ने, जदों एक जॉनर तो दूजे जॉनर च जदों राइटर जांदा आ ते उह क्यों जांदा उह बेसिक सवाल आ। ते जिहड़ा नावल आ मैं इह देख रहा सी कि नावल दे विच जिहड़ी नायक ते खलनायक दी जिहड़ी डिकोटमी आ उह एक तरह की बाइनरी पोजिशन दे विच रहिंदी आ, ते जिस तरह का उन्हां दा एक्सपीरियंस सी सरना साहब का वो नावल दे विच खुल्या नहीं, ते फिर वो जिहड़े आ महाकाव्य नूं उन्हां ने चूज़ किया, लिखिया उन्हां ने नैरेट वरतांत ही आ, पर यह वरतांत उन्हां ने महाकाव्य दे विच जाके उन्हां दा प्रॉपर रूप दे विच खुल्या। ये मैं अगे जाके एक्सप्लेन करूँगा कि किवें नावल दे नालों उन्हां ने किवें उस डिकोटमी नूं जिहड़ा जिहड़ी नायक या खलनायक दी जिहड़ी सी वो जिहड़ी प्रैक्टिस सी वह किवें महाकाव्य दे विच चेंज हुई आ, क्योंकि नावल जिहड़ा अपना ट्रुथ आ वह किसी खास बाइनरी दे विच विकास करदा आ। तुसी इन्हां दे कंपैरेटिवली जिहड़े महाकाव्य सी
ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾਵਲ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਕਾਵ ਲਿਖਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਨਾਵਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰ ਇਹ ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਕਾਵ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਸਰਨ ਆ ਉਹ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਪੋਇਟਿਕ ਆ ਅਤੇ ਆਰਟ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਇਟਿਕ ਰਹੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਂਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਕਾਵ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਕਾਵ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਕਾਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਖੀ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆ ਸਾਖੀ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ੇਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਂਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਆ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਮਹਾਂਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਬਣਦੀ ਆ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20-22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਵੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਕਾਵਿ ਆਲੋਚਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਕਾਵਿ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਬੇਸਿਕਸ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਆਲੋਚਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 600 ਵਰੇ ਈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਸੰਬੰਧ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਹਿਊਮਨ ਦਾ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰਲਿਸਟ ਆ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਉਨਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਆ ਲਾਈਫ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੀ ਆ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰਲਿਸਟ ਆ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੁੱਥ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਦੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਸਰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਆ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਸੈਸੀਓਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਲੈਵੀਤ੍ਰਾਸ ਜਾਂ ਲਾਕਾਂ ਦਰੀਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਇਥਾਗੋਰੀਅਨ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਇਥਾਗੋਰੀਅਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸਵਾਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵਵਾਦ ਲੈਟੇਨੀਅਨ ਮਾਨਵਵਾਦ ਆ ਲੈਟਨ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਿਊਮਨ ਸੁਪਰੀਮ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿਊਮਨ ਸੁਪਰੀਮ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ
ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਬੇਸਡ ਹਿਊਮਨਿਜ਼ਮ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨਿਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਹਿਊਮਨਿਜ਼ਮ। ਉੱਥੇ ਮਾਨਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਕੌੜਾ ਕਹਾਣੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵਵਾਦ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਸਰਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਟਰਮਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾਨਵਵਾਦ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਉਹ ਐਂਥਰੋਪੋਸੈਂਟਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਡਿੱਗਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਥਾਗੋਰੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਤੱਤ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਤੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਥਾਗੋਰੀਅਨ ਅਨੁਭਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਾ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਟੇਰੀਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਆਲੋਚਨਾ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਟੇਰੀਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਐਬਸਲਿਊਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਦਾ, ਐਬਸਲਿਊਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋੜਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਐਬਸਲਿਊਟ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਦੋਂ ਅਸ਼ੋਪਲੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਦੁਆਰ, ਮਿੱਸਾ ਚਾਨਣ ਪਰਸਰਿਆ ਪਰਕਰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਝਿਲਮਿਲ ਬਣ ਕੇ ਕਰ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਵਾਸ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਚੌਂਕੂਟਾਂ ਵੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਦੁਆਰ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨੋ ਰਹੇ ਪੁਕਾਰ, ਆਓ ਜਿੰਦੋ ਤਪਦੀਓ ਹੋਵੋ ਠੰਡੀਆਂ ਠਾਰ, ਰਿਮ ਝਿਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸਦਾ ਇਸ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ, ਹਉਮੈ ਅਗਨੀ ਸੜ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੱਟਣ ਹਾਰ, ਤਜ ਕੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਭਉਜਲ ਉੱਤਰੇ ਪਾਰ, ਸਾਂਝਾਂ ਚੌਹਾਂ ਵਰਨਾ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਸੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਾਲਸ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਆਲੋਚਨਾ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾਂਕਾਮ ਦਾ ਬਹੁ ਪੈਰਾਡਾਈਮੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੁਆਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰਸਕਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਸਰਨਾ ਆਪਣੇ ਐਪਿਕ ਥੀਸਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਂਟੀ ਥੀਸਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਥੀਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਕੋਟਮੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਅਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁ ਅਨੁਭਵ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਕਲਪ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁ ਕੇਂਦਰਿਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇਕਾਂਗੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਨ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮਲਟੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਪੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਐਪੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਨ ਕਮੈਡੀ ਆ ਦੰਤੇ ਦਾ ਜਾਂ ਲੋਸਟ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਮਿਲਟਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਥਿਓਲੋਜੀਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਡਾਰਕ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਿਕਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਪਲ ਸਿਟੀ ਆ
जिदे विच्चों एक इमेज मेकिंग जिहड़ी करदा आ, जिदे विच एक खास तरह दियां कॉसमोस दे विच्चों बना के ते ओ उहनां दे अलग अलग पैटर्न नूं इकट्ठा लै के चलदा आ। जिवें पन्ना नंबर 15 दे उत्ते इहदी एग्जाम्पल दे नाल क्लीयर ज़्यादा होगी गल की वक्खरदा। कहिंदा रागां विच प्रवीणता है नहीं सौखी घाल, करनी पैंदी साधना है 20-25 साल, ऐ पर सिरड़ी शिश ਉਹ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਘਾਲ ਘਾਲਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਰੇ 14 ਤੱਕ ਗੌੜੀ ਆਸਾ ਦੇਵ ਕੰਧਾਰੀ ਟੋਡੀ ਅਤੇ ਤਲਿੰਗ ਜੈਤ ਸਰੀ ਧਨਾਜ਼ਰੀ ਸੋਰਠ ਅਤੇ ਸਰੰਗ ਰਾਮ ਕਲੀ ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਲਲਿਤ ਬਿਲਾਵਲ ਗਾਵਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਗਣਵੰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਭਾਵਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਗ ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ ਆਖਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮੰਦੇ ਭਾਗ ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਾਵੇ ਰਾਗ ਇਹ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰੇਸ਼ ਕਰ ਨਾ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਸੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਭਰਿਆ ਰਾਗ ਇਹ ਜਾਦੂ ਸ਼ੋਹੀ ਬੀਣ ਵਾਂਗੂ ਖਿੱਚਦਾ ਉਸਦੀ ਰੂਹ ਅਤੇ ਤੀਰ ਮਹੀਣ ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ ਰਾਗ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕੂਲਾ ਮਧੁਰ ਵਹਾ ਉਹਦੀ ਸੂਖਮ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸਮਾ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਨਮਾਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਰ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦੋਕਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਫਨੈਟਿਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਮ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਬਜੂਜਣ ਦੇ ਦਾਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿੰਗਡਮ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕਗਿਰੀ ਦੀ ਹਵਸ ਵਿੱਚ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾਮਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਵਾਂਗ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਕਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਖਸ਼ੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਦੀ ਸ਼ਤਰੂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਸ਼ਤਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਅਵਸਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੁੱਧ ਮੁਗਲ ਸਲਾਰ ਪੈਂਦਾ ਖਾਨ ਨੇ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਆਖਿਆ, ਯੋਧੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਨਿਉਂਤਾ ਘੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੰਦ ਬੁਲਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੈ ਮੁਖੀ ਥਿਊਰੀ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਭੈ ਕਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਆਲੋਚਨਾ ਖੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਫੋਕਲੋਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੈ ਮੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਆ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਚਾਅ ਜਿਹਦਾ ਬੇਸ ਹੀ ਭੈ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕੂਗੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ।
इन्हां महाकाम दे विच्चों जिहड़ी ह्यूमन बॉडी ते आ, क्योंकि साडे कोल जिहड़ा समाज दा जिहड़ा सिस्टम है पनिशमेंट दे उत्ते आ कि बंदे नूं ठीक करना नूं पनिश कर दिओ, या बच्चे नूं डराया जांदा छोटे हुंदिआं तों कि तू इदां करेगा तो तैनूं कुट्टिआ जाऊगा, तू इदां करेगा तो तैनूं इस तरह किया जाऊगा। सो ये जिहड़ी, क्योंकि जिहड़ी ये वाला डराउण दी या भै वाली थ्यूरी नाल जदों असीं चीज़ां दा एनालिसिस करांगे उहदे विच मैटर जिहड़ा आ उह सुप्रीम रहूगा। मैडिकल साइंस मैटर तो बगैर नहीं चलती, वो किसी मन नूं नहीं मानती, वो हार्ट नूं मानती है कि वो केड़ियां केड़ियां आर्टरीज़ ने, केड़ा कोड़ा कुछ है। वो अनकॉन्शियस, जो फ्राइड ने अनकॉन्शियस किया सी, क्लास चो इहनूं बाहर कढ़ दिता गया सी इहदे प्रोफेसर वालों कि ये केड़ी गल फिजियोलॉजी आ ही नहीं रही, वो जिहड़ा हिस्टीरिया का कॉन्सैप्ट इन्हें पहली बार दिता सी, उन्होंने एक्सैप्ट ही नहीं किया सी इहनूं कि ये किवें ये केड़ी गल नूं कर रहा। फिर इन्हें वो जिहड़े उन्हां दे पेशेंट ठीक नहीं हो रहे सी, क्लीनिकल जिहड़ी इहदी साइकोलॉजी सी उहदे नाल इन्हें पेशेंट ठीक किए, फिर उन्होंने ये प्रूफ होया सी। सो इस करके ये जिहड़ी थ्यूरी सी ये साडे कोल जिहड़ी कुरबानी पई हुई आ, कुरबानी ये सी कि लाइफ जिहड़ी आ मीनिंग साडे कोल छोटे साहिबजादे की कुरबानी की गल इहदे च की गई आ, गुरु तेग बहादुर की शहादत की गल की गई आ, गुरु अर्जन देव जी की शहादत की इत्थे गल की गई आ। सो वो इन्हां ने सरना जी की किरत दे राही जिहड़ी गुरबाणी दे मॉडल दे विच्चों जिहड़ी शहादत का कॉन्सैप्ट सी वो इस तरह सी कि जिवें कोई बंदा रोटी खा रहा, उन्हें तीन चार रोटियां खा लिया, हुण उहदा पेट भर जावे तो उहदे कोई रोटी मंग ले तो रोटी ऐं कर दूगा वी लै ला, क्योंकि वह नीड उहदी खत्म हो चुकी आ। सो बॉडी का जिहड़ा अल्टीमेट ट्रुथ आ, जिवें गुरु अर्जन देव की शहीदी बारे बहुत सोहना एपिक्स दे विच लिखा, मैं लंबा हुण टाइम हो जाणा, सो गुरु तेग बहादुर बारे उन्हां दे विच्चों जिहड़ी बॉडी की जिहड़ी अहमियत आ वह इस तरीके नाल शहादत एक खास तरह का जशन बनती आ, क्योंकि वह जो कुछ उन्हें करना सी। सो इस करके जिहड़े साढ़े सरना जी की जिहड़ी पूरी टैक्सट आ वो एक खास साइंटिफिक टैंपरामेंट दे नाल इनकाउंटर नहीं कर रही, ना उहदे तो इनकारी आ, वो एक गुरु साहब तो, क्योंकि इन्हां दी जिहड़ी भाषा की गल हुई आ, जिहड़ी भाषा आ रही आ, मैं देखिया सी कि इन्हां दी एपिक्स की भाषा की आ, नाथ योगी परंपरा तो आके गुरु नानक साहब ने उन्हूं नामरसी किया भाई गुरदास तो या बलबीर सिंह होना तो बाद जिहड़ी ये लैंग्वेज जिहड़ी आ वो इन्हां दे कोल आउंदी आ, क्योंकि ये गोरखनाथ की भाषा चो चलती हुई इन्हां कोल आउंदी आ। भाई इन्हां दे अमरजीत चंदन भी एफर्ट करता इस तरह की लैंग्वेज की, पर उहदे कोल वो जिहड़ा एक्सपीरियंस नहीं सपोर्ट करता जिहड़ा सरना जी कोल एक्सपीरियंस आ, इह लैंग्वेज किवें उन्हां तों वक्खरी हुंदी आ। सो इस करके जिहड़ी प्रोफेसर भाई वीर सिंह कोल रचना आ उहदे विच मिस्टिक्स जिहड़े आ उह डोमीनेट करदे आ, ते क्रिएटिव जिहड़ी आ क्रिएटिविटी जिहड़ी आ उह सेकेंडरी हुंदी भाई वीर सिंह, जदकि प्रोफेसर सिंह पूरन दी पूरन सिंह की भाषा के विच जिहड़ी क्रिएटिविटी आ उह बेसिक बनदी आ ते मिस्टिक जिहड़ी आ उह सेकेंडरी हुंदी आ, पर इन्हां दी जिहड़ी भाषा आ उह उस भाई गुरदास गुरु नानक साहब ते गोरखनाथ की परंपरा के विचों जिहड़ी वो आ रही आ। सो इस करके ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाउंदा, इहदे उत्ते प्रोपर जिहड़े आ काम होने चाहिए, तां कि साडे कोल मैं इस इत्थे ये ऐलान करदा कि जे पंजाबी आलोचकां ने कोई अपना सिद्धांत तैयार करना तो इस तरह दियां टैक्सट नूं सानूं बेस बनाउणा पऊगा, तां कि असीं नरोल जिहड़ा, मैं ये नहीं कह रहा कि वैसट नूं मैं निगेट नहीं कर रहा, उहदे नाल डायलॉग करके असीं कोई अपना पॉजिटिव चीज़ तैयार कर सकते हैं, तो इस तरह दियां टैक्सटां नूं सानूं जिहड़ा गौलण पऊगा। बहुत बहुत धन्यवाद। परचा लेखकां दा तिन्नां दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा, तो सारे साथियों का भी जिन्होंने बहुत ही गौर नाल सारे पेपरां नूं सुनिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया साहित्य अकैडमी का भाई वीर सिंह साहित सदन का कि मैनू भी इहदा एक हिस्सा बनाया, तो सरना परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो सारा समा कल तो लैके अज आखिर तक साढ़े नाल रहे आ, और सानू हौसला बधाई सारे नू कीती आ कि चंगा लिटरेचर जिहड़ा सामने लियाउण दी उन्होंने एक बार फिर कोशिश की आ। तो मैं निजी तौर पर जदों का भी उन्हां दे नाल सरना साहब नू देखिया मेरे मन दे विच उदों दा ही उन्हां बारे बहुत बड़ा सत्कार आ, तो मैं उन्होंने याद करता रहना, उन्हां दियां लिखतां पढ़ के भी बहुत प्रभावित होंदा रहना भी असीं किदां लिखीए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गल तो पक्की है कि अज असीं जो रीविजिट किया सरना साहब नूं उहदे विच्चों एक नवें महेंद्र सिंह सरना के दर्शन होए है,
उस लिटरेचर असी दोबारा समझने की कोशिश की है और गल मैं लगता है कि अगर तुरेगी क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ तो विद्वान इतने बैठे आ और उन्होंने बारे बड़ी अप्रोप्रिएटली सैमीनार महाकाव नाल समाप्त होया जो परवीन जी ने गल की और यह जी नवी किताबा ने वो तीनों महाकाव फिर तो रीप्रिंट हो फिर तो रीपब्लिश हो नवयुग पब्लिशर्स के थ्रू और एक साडा चुनन का इन्हों चुनन का भी एक मकसद सी बई कहानियां तो काफ़ी लोग जानते हैं नॉवल भी जानते हैं पर जो महाकाव इन्हों के पिछे किन्नी मेहनत हुई सी और इन्हों विच किन्नी डेप्थ है किन्नी रिदम है किन्नी पोइट्री ऑफ जीनियस इज आई नो आई हैव अ बायस टूवर्ड्स हिम ही इज़ माई फादर बट ए पोइट्री ऑफ जीनियस सिख हिस्ट्री इन एक्सक्विजिट पोइट्री एदी वैल्यू अपने अलग है सब स्कॉलर्स का मैं धन्यवादी हाँ मैं सब दे नाँ नहीं लाँगा काफ़ी वक्त लगेगा पर तुसी सब जानते हो दिस इज़ अ रियल ट्रिब्यूट टू हिज मेमरी रियल ट्रिब्यूट टू हिज वर्क एंड आई एम वेरी थैंकफुल इस ऑडियंस का जो दो दिन तो बैठे हुए खास करके स्टूडेंट्स क्योंकि उस एक सेमिनार का एक मेन मकसद ऐसी कि जड़ी लेगेसी है साड़ी हेरिटेज है इस लिटरेचर दी वो अगली जनरेशन तक पहुँचे और इंटरेस्ट रिवाइव होए एंड मैं वंस अगेन आई एम ग्रेटफुल टू एवरीबडी हु हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड इन ब्रिंगिंग दिस टुगेदर द स्कॉलर्स द पीपल बिहाइंड द सीन द स्टूडेंट्स and of course Sahitya Academy is the main two partners for this seminar Sahitya Academy and Pai Veer Singh Sadan and so graciously done by Professor Ravel Singh and Dr. Mohinder Singh in a spirit which wins hearts koi thud nahi rahi koi kisi ne nobody pulled back his hand in assisting this Everything has been forthcoming. So, जो एक साड़ा dream सी एक तरह का एक साल पहला भाई कुछ यह जहा करांगे वो it became a reality. सारी यूनिवर्सिटियां पंजाब दी दे मुखी पुराने मुखी नवे मुखी विद्यार्थी आए हैं साहित्य अकैडमी जिन्हें भाई वीर सिंह पहली बार अवार्ड दिता उन्होंने प्रधान असी डॉक्यूमेंट्री बनाई है भाई वीर सिंह से ओ माई बिलवर मेरे साइए जी हो इन्ना सोहना बोला कहिंदा चब्बी भाषावां दा आधार भाई वीर सिंह है इन्ना वड्डा कंप्लीमेंट वह आए बड़ा अच्छा लग्या तो मैं बोतल दो गल्लां कहने चाहांगा मैं सर उहदा रीज़न है बार बार 47 का जिक्र होया थोड़ा जिहा 84 का जिक्र होया 84 विच मैं हौस खास प्राइवेट अपार्टमेंट सीगे अरबिंदो मार्केट दे सामने उत्थे रहिंदा सीगा मेरे टीचर प्रोफेसर बिपिन चंद्र ने पता लग गया उन्हें आर्मी की जीप भेज के मैनू अपने घर ले गए दो मेरिया बच्चिया सन एक छोटी सी एक वड्डी सी उत्थे पुछती है पापा हू किल्ड इंदिरा गांधी बिफोर आई कुड आंसर बिपिन सेज आइडियोलॉजी ऑफ हेट हू किल्ड महात्मा गांधी नॉट नथुराम कट नथुराम गॉडसे बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट एंड आई एम सॉरी टू से 47 देखे 84 देखे अजकल समा बहुत चंगा नहीं चल रहा कभी वो रिपीट हो सकता तो उन्होंने फिर किमें चेक कर सकते हैं थ्रू आइडियोलॉजी ऑफ लव विच इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी इन द राइटिंग ऑफ महेंद्र सिंह सरना